बाजारों में निचले स्तरों से आई है बेहतरीन रिकवरी और आखिर डेढ़ घंटे रहेगा बाजार में एक्शन। तेजी बरकरार रहेगी, 10,000 के पार टिक कर बंद हो पाएंगे, 20,500 के ऊपर बैंक निफ्टी में क्लोजिंग होगी क्या, ये है सवाल, मिलेंगे जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। निचले स्तरों से तो बाजार में शानदार रिकवरी है, ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव हो गए हैं। डाउ फ्यूचर्स पर अगर आप नजर डालेंगे तो इस समय 250 अंक ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स भी दिखेंगे। यूरोप के बाजारों में भी एक मजबूत ट्रेड हो रहा है और एशिया के बाजारों में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी हुई है। तो अनिल जी से चर्चा करेंगे कि आखिरी घंटे के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किन स्टॉक्स पर रहेगा हमारा फोकस। तो अनिल जी, ये सारी बातें करें उससे पहले इस समय बाजार की बड़ी बातें क्या हैं? सर, उतार चढ़ाव के साथ बाजार में कारोबार होता हुआ दिख रहा है, यही ट्रेंड है पिछले कुछ दिनों का, यही ट्रेंड आज भी बरकरार है। 10,000 के लेवल को छुआ है निफ्टी ने इंट्राडे में, वहां से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। बैंक निफ्टी परफेक्ट सेल जोन में पहुंचा है, जो कि 20,500 से 20,750 का है, 20,600 के थोड़ा सा ऊपर पहुंचा है, वहां से हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेकिन ये कह सकते हैं कि निचले स्तरों से जो रिकवरी आई वो भी बड़ी काम की है। 20,000 के नीचे से बैंक निफ्टी रिकवर होकर आया है, 9,800 के आसपास से निफ्टी रिकवर होकर आया है, तो ये एक बेहतरीन रिकवरी आप कह सकते हैं आती हुई दिखी है। ऑटो, प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल्स, ये तीन सेक्टर ऐसे हैं जहां पर अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। FMCG शेयरों में हल्की मुनाफा हुई है और दुनिया भर के बाजारों के हाल को देखते हुए मेटल शेयर थोड़े सुस्त हैं आज के सेशन में। यूरोप की मजबूत शुरुआत हुई है, उतार चढ़ाव के बीच डाउ फ्यूचर्स अब मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स आपको याद होगा सुबह लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, 500 पॉइंट से ज़्यादा की कल की तेजी के बाद आज डाउ फ्यूचर्स सुबह कमज़ोर थे 150-200 पॉइंट, लेकिन अब डाउ फ्यूचर्स में मजबूती बढ़ती हुई दिख रही है और ये लगभग आप देख सकते हैं 300 अंक मजबूत हो चुके। तो डाउ में अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है दीप। बिल्कुल अनिल जी, और आज सुबह मेरे को याद है सर, जब हम बाजार की बात कर रहे थे तो आपने कहा भी था कि बाजार वॉलेटाइल रहने वाले हैं, दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे और अगर आप कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं, अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं, तो आप फायदे में रहेंगे। और सर बिल्कुल वैसा ही देखा, ये जो बाजार में रिकवरी आई है इसमें ग्लोबल फैक्टर्स भी प्ले कर रहे हैं सर, पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का में आज चर्चा हुई मॉरेटोरियम को लेकर और फिर मामला अब अगस्त के पहले हफ्ते तक टला है, वहां से भी हमने कुछ राहत के संकेत आते हुए देखते हैं। तो सर अब क्या लग रहा है डायरेक्शन, जहां तक बाजार का सवाल है आज के ट्रेड के लिए, लग रहा है कि ये 9,950-10,000 के बीच में क्लोजिंग हो सकती है, ये पॉजिटिविटी रहेगी बाजार में सर? होनी तो चाहिए दीप। देखिए अभी तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि हम ये सोचें कि 10,000 के ऊपर क्लोज नहीं दे सकते, एक्सेप्ट एक ही वजह कि पिछले 4 दिनों से हम 10,000 के नीचे बंद हो रहे हैं और इस तरह के मूड माहौल में जब ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी वोलेटाइल है और भारत चीन का सीमा विवाद चल रहा है, तो उसको देखते हुए कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी रह सकती है और गलत भी नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि अभी जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत अच्छा है। और आपको याद होगा सुबह हम ये कह रहे थे कि देखिए बहुत डरिए घबराइए मत, 2 दिन की बात है और 2 दिन के बाद चीज़ें सब सामान्य हो जाएगी और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि जो बाजारों को बहुत ख़राब कर दे। आप अपने लेवल का इंतज़ार कीजिए और उस लेवल से एंट्री कीजिए, वही होता हुआ दिखाई दीप। तो देखिए आप अच्छे लेवल से बाजार रिकवर करता हुआ दिखा, आज कहीं कोई ऐसी ख़राब खबर सुनने को अभी तक तो नहीं मिली है और आगे भी ना मिले, ये हम उम्मीद करते हैं। लेकिन ओवरऑल एक तो ये भारत चीन सीमा विवाद जो भी ये विवाद है इसको लेकर कोई ख़राब खबर नहीं है। दूसरा, अमेरिकी फ्यूचर्स ऊपर होते हुए दिख रहे हैं, ऐसे में एक्सेसिव मंदी सोचना ये गलत होगा और यही चीज़ हम सुबह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यही है कि एक्सेसिव तेज़ी आपको सोचनी है क्या, वो भी गलत होगा और वो इसलिए गलत होगा, 2 कारण हैं कि क्योंकि एक तो ये कि ग्लोबल मार्केट्स मजबूत हैं लेकिन एक तरफा मजबूत नहीं वोलेटिलिटी के साथ। दूसरा, तनाव घटा है खत्म नहीं हुआ है, वो रिस्क हमेशा रहेगी तनाव वापस बढ़ने की। इन 2 चीज़ों को देखते हुए मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, वो ये कि जितनी पोजीशन आप दिन भर में कर सकते हैं ना कर लीजिए, इवनिंग के लिए ओवरनाइट पोजीशन कल के लिए ना रखें, कम रखें, रखें तो ऑप्शंस के जरिए लिमिटेड रिस्क के साथ। और ये मान कर चलें या जो भी पोजीशन आप रख रहे हैं कि भाई ये सौदा सुबह मेरे विपरीत जाने वाला है, अच्छा खासा जाने वाला है, उसके बाद आप कितने रिस्क लेकर जा सकते हैं वही रखें। मैं तो सिंपल एक चीज़ बोलता हूँ, जब भी इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट हो तब ओवरनाइट 2-4 दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, आराम से शांति से बैठिए। और ये जो पोजीशन बनाने की और ये जो बात है, एक सिर्फ खाली ऐसा नहीं कि तेज़ी करने वाले ट्रेडर्स के लिए, तेज़ी और मंदी दोनों के लिए बराबर लागू होती है। गैप से खुलना ऊपर या नीचे, ये दोनों ही आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हल्के रहने में समझदारी है, दिन के दौरान जो मुनाफा आ लीजिए। अच्छा, एक और चीज़, जब इतनी बड़ी रेंज है, इतनी वॉलेटिलिटी है, अगर आप में इतनी ही स्किल है ट्रेडिंग की तो दिन भर में कर लो ना, खाली नसीब के भरोसे कि मैं जो सोच रहा हूँ वही कल सुबह होगा
मैं तेजी की पोजीशन सोच के जाऊँ, मैं सोचूँ सब कुछ अच्छा होगा, या मैं मंदी सोच के जाऊँ होगा, वो तो नसीब के दम पे आप कर रहे हैं ना, वो उसमें स्किल्स नहीं है। इस तरह के माहौल में स्किल्स काम नहीं आती, इस तरह के माहौल में न्यूज़ है जो बाजार को ड्राइव करती है, वो ग्लोबल हो सकती है, हमारी अपनी हो सकती है। इसलिए मेरा पॉइंट ये, अगले 1.5 घंटे ट्रेड कीजिए, जमकर कीजिए, 3:30 बजे ख़त्म करके शांति से जाइए। जी दीप, बिल्कुल, ट्रेड करिए बट ओवरनाइट पोजीशन कैरी मत करिए, यह है अनिल जी की सलाह आज के ट्रेड के लिए। रुपया 6 पैसे मजबूत होकर बंद हुआ है, तो कल की भारी गिरावट के बाद आज थोड़ी स्टेबिलिटी रुपए में हमने आते हुए देखी। हालांकि 76 के पार दोबारा बंद हुआ है, 76.15 पर बंद हुआ है, 76.21 को कल क्लोजिंग हुई थी, तो हल्की मजबूती हुई है। चलिए देख लेते हैं कि कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जिन पर बाजार की नजर है, और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आप फोकस कर रहे हैं खबरों के दम पर भी, जिनके रिएक्शन आ रहे हैं। पहले ट्रिगर्स की बात कर लेते हैं, मानसी हमारे साथ तैयार है। गुड आफ्टरनून मानसी, बताइए कौन से ट्रिगर्स पर नजर है आज कल और परसों। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु, शुरुआत आज आने वाले नतीजों से। वायदा बाजार में पिडिलाइट, कमिंस इंडिया, REC, मुथूट फाइनेंस, IGL, ये कंपनियों के नतीजों का इंतजार है। कैश की लिस्ट एक बहुत लंबी लिस्ट है, और इसमें प्रताप स्नैक्स, वेल्सपन कॉर्प, त्रिवेणी इंजीनियरिंग जैसी कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा भी कई सारी कंपनियों के नतीजे आ जाएंगे। इसके अलावा SBI की EGM आज होने जा रही है, आज 2:00 PM EGM होगी, और उसके बाद जो भी फैसला आएगा उस पर हमने फोकस किया, नजर रखी है हमने, और जो भी इसमें निकल कर आएगा हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, जो 2 दिवसीय बैठक है, उसका आज दूसरा दिन है, और आज की मीटिंग काफी अहम है, क्योंकि आज महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली, ये तीन राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं बैठक में शामिल होने वाले हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये तीन जगह सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले जो हैं बढ़ते हुए दिखे हैं, और इसी वजह से आज की बैठक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। कल की अगर बात करें, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। इसके अलावा AGR मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। 11 जून को पिछली सुनवाई हुई थी, और अब कल सुनवाई होती हुई दिखेगी। साथ ही कमर्शियल कोल माइनिंग ब्लॉक के लिए नीलामी भी कल के दिन होती हुई दिखेगी। कोल माइनिंग से सरकार का एकाधिकार एक तरह से खत्म होता हुआ दिखेगा, और ऐसा पहली दफा होगा कि कमर्शियल कोल माइनिंग की नीलामी होने जा रही है। HDFC AMC का OFS रिटेल निवेशकों के लिए कल खुलने जा रहा है, और नतीजों के लिहाज से कैश स्पेस की कुछ कंपनियां थर्मैक्स, गुजरात एल्कलीज, रानी मद्रास, केयर रेटिंग्स, दालमिया भारत, अमृतांजन जैसे नंबर्स आते हुए कल हम देखेंगे। शुक्रवार का दिन फुटसी ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स में बदलाव होंगे। 19 जून यानी कि शुक्रवार को एडजस्टमेंट होंगे, बदलाव जो है 22 जून से लागू होते हुए दिखेंगे। ग्रैन्यूल्स इंडिया का शेयर बायबैक इस दिन बंद होने जा रहा है। HDFC लिमिटेड शुक्रवार के दिन कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स की एक बैठक कर रहे हैं, पूंजी जुटाने पर शेयर धारकों की मंजूरी पर यह बैठक होगी। और साथ ही पीएम मोदी की चीन के मसले पर शुक्रवार को एक सर्वदलीय बैठक है, माना जा रहा है कि शुक्रवार शाम 5 बजे ये बैठक होती हुई दिखेगी। वायदा बाजार में रैमको सीमेंट, LIC हाउसिंग फाइनेंस और कैडला हेल्थ केयर, साथ ही PNB जैसी कंपनियां अपने नतीजे 19 जून यानी कि शुक्रवार को पेश करेंगे। तो ये है वो तमाम इवेंट्स जिस पर आपको रखनी है नजर रखनी है। आपको छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई पर जय देने वाले हैं। उसके अलावा चार्ट कॉर्नर है, और BTSTT है, कुणाल जी राकेश जी का चार्ट कॉर्नर, किरण जी और वागले साहब का BTSTT है, एक साथ सारे हैं। अब मेरे लिए किसी भी तरह का कोई धर्म संकट नहीं, सबसे पहले किसका, सबसे पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में सबसे आगे निकले जय। लेकिन जय चूंकि आपका चार्ट कॉर्नर है, नहीं माफ कीजिएगा, आपका छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, इसलिए आपको करना होगा इंतजार ऑप्शन वाले थोड़े से पीछे, क्योंकि आपके भाव जल्दी से ऊपर नहीं नीचे नहीं होते। पहला मौका मिलेगा उसके बाद वागले साहब को, और वागले साहब के साथ किरण जी को, दोनों को एक साथ बिगोई। वागले साहब बताएं। अनिल जी गुड आफ्टरनून, मेरा बाय है एस्कॉर्ट्स में, जिसने क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है, अभी 1005 का भाव है, 1000 के करेक्टिव मूव पे ऐड करें, अभी बाय करें, 1000 के करेक्टिव मूव पे ऐड करें, 987 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 1035-1040 ये मेरा टारगेट होगा, शायद आज आ सकता है, नहीं तो कल आना चाहिए। ओके किरण जी आप भी जोड़ दीजिए। अनिल जी मेरा स्टॉप लॉस 995 का होगा, थोड़ा सा नजदीक वाला, 1005-1006 चल रहा है, 1000 तक एक्यूमुलेट करने की सलाह है, और 1019-1022 ये मेरे टारगेट्स रहेंगे। 1020-1022 छोटा स्टॉप लॉस, छोटे टारगेट किरण जी के, बड़ा स्टॉप लॉस, बड़े टारगेट वागले साहब के लिए। चार्ट कॉर्नर का बिगुल अब कुणाल जी राकेश जी के लिए। बताएं सर।
अनिल जी, खरीदारी की राय है, स्टॉक है भारत फोर, इसके अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर प्लस में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और टेक्निकली ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रैली दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहां पर आता हुआ नजर आ रहा है, बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, तो भारत फोर्ज खरीदने की राय है। 354.50 रुपए पर 354.5 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 370 रुपए का, दूसरा टारगेट 375 रुपए का होगा, तो 375 के लक्ष्य के लिए भारत फोर्ज में खरीदारी की राय। ओके, तो ये है आपके लिए राय भारत फोर्ज में खरीदारी करने की कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। आशु मदान साहब भी देने वाले हैं अपना बीटीएसटी का कॉल, लेकिन उससे पहले बिल्कुल छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का जय ठक्कर के लिए। जय बताइए। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून दीप। अनिल जी, ऑप्शन के थ्रू मैं जो पहला बाय रिकमेंडेशन आज दे रहा हूँ वो है चोला फाइनेंस का 170 का कॉल ऑप्शन, ऑलमोस्ट एट द मनी है बिकॉज 169 चल रहा है, तो 170 का कॉल ऑप्शन चोला फाइनेंस का भी ट्रेड कर रहा है अनिल जी 10.30 रुपए पे। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 6.30 रुपए। इसका पहला टारगेट रहेगा 15.10 रुपए और दूसरा टारगेट रहेगा 17 रुपए का। 15.10, 17 ये दो टारगेट्स के लिए आपको चोला फाइनेंस का कॉल खरीदने का है और स्टॉप लॉस रहेगा मैंने जैसे बताया 6.30 रुपए का। अनिल जी, अभी इसका कारण मैं बता देता हूँ कि लगभग 4 महीने के बाद ये स्टॉक ने 50 डेमा को निकाला है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में से ब्रेकआउट दिया है और क्लियरली मैं कहूँगा कि अगर आप देखें अनिल जी तो लगभग मैं कहूँगा नियर टर्म अगर हम देखें तो 30 अप्रैल से ये स्टॉक 165-160 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। इनफैक्ट मैं कहूँगा आज कहीं ना कहीं इसका सर्किट है 171 के आसपास रफली, बट देन एफएनओ स्टॉक है, मैं समझता हूँ कि वो तो फिर से ऊपर और हो ही जाएगा। सो आई थिंक 185-190 तक के टारगेट्स बन रहे हैं इसकी यही सीरीज में, और 185-190 जाता अनिल जी तो डेफिनेटली ये 15.10 रुपए और 17 रुपए तो हो ही जाएगा। 170 का कॉल ऑप्शन अगर मैं इसकी वैल्यूएशन देखता हूँ तो आई थिंक यस, इसका कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए चोला मंडलम का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय, जय ठक्कर की 170 वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए। आइए अगला बिगुल है आशु सर के लिए। बताए आशु सर। अनिल जी, एक दो चीजें पहले बात करनी है आपसे। बिगुल कॉल कहीं भागी नहीं जा रही है क्योंकि अपनी कोई सैटेलाइट तो होती नहीं अनिल जी, हमारा तो बहुत धीरे धीरे कछुआ होता है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अच्छा अनिल जी, एक तो सन फार्मा का स्प्रेड आपको ध्यान होगा क्योंकि वैसे तो आप सारे स्प्रेड लिखते भी हैं, बोल भी देते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्प्रेड होते हैं जिसमें आप इंटरवीन करके ना स्पेशल बोल देते हैं कि नहीं ये स्प्रेड आपको बहुत क्लिक कर गया है, तो वो सन फार्मा वाला स्प्रेड सर 8-10 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है क्योंकि वो ऊपर का प्राइस टिके टाइम टिके होता जा रहा है और नीचे वाला जो कॉल है वो बिल्कुल खड़ा हुआ है 465-100, तो अभी भी बने रहना चाहिए और 10 रुपए मिल सकते हैं इसमें, तो ये शांति का ट्रेड था, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। और दूसरे दो अपडेट है अनिल जी, एक 96-9800 का स्प्रेड वो प्रॉफिट में है और जो परसों 98,000 का 1:2 बनाया था वो 50-60 रुपए प्रॉफिट में है, जिसको बुक करना है बिल्कुल बुक कर लें, कल की आखिरी दिन तक छोड़ना नहीं चाहिए पैसे आ रहे हो तो। तीसरी चीज अनिल जी, सुबह दो स्टॉक्स बताए थे आपको, एक था भारती और दूसरा था टाटा स्टील, तो भारती तो अनिल जी बिल्कुल जैकपॉट हो गया, 548 पे बात की थी हमने, 548-549 562 का रेट है, इसका स्प्रेड बनाया था 550-570, शांति से बैठ जाना चाहिए। और दूसरी चीज अनिल जी, टाटा स्टील 311-312 के भाव था, उस पर भी स्प्रेड बनाया था, अभी वही है और उसको भी लेके रखना चाहिए। अब अनिल जी, अगर किसी को टाटा स्टील का अगर जिटर है कि अगले एक हफ्ते में थोड़ा जिटरी हो सकते हैं कि कहीं स्टॉप लॉस हो जाए, तो एक टाटा स्टील का स्प्रेड है और एक अनिल जी निफ्टी का स्प्रेड देना है, और लेकिन उसकी वो आपसे कंसल्ट करके देना है, अगर आप कहें तो पूछ लूं आपसे। ठीक है, कंसल्टेंसी फीस का बिल क्या नाम से भेजना है सर? कुछ भी सर, कुछ बिल आपका सर, मतलब प्राइस आपकी, डिमांड हमारी। बताइए सर, क्या क्या मदद कर सकता हूँ, बोलिए। अच्छा अनिल जी, कल की एक्सपायरी की क्या रेंज लगती है अंदाजा मुझे इसके लिए? फिर आप मुझे 10 मिनट और दो क्योंकि अभी जस्ट मेरे पास डेटा है, तो मैं फिर डेटा देख के अच्छा, बताता हूँ आपको।
तो अगर अच्छा ओके हाँ तो क्योंकि जस्ट अभी अच्छा, वो ठीक है, रेंज पूछ रहा हूँ, बड़ी 100-150 पॉइंट कोई ऐसा लेवल नहीं पूछ रहा हूँ, 100-150 पॉइंट की रेंज बताना। फिर एक अच्छा ऐसे आप पूछोगे तो अभी के डेटा के हिसाब से तो 9,800-10,200 ये 400 पॉइंट की बड़ी रेंज है, बिना डेटा देखे हुए तो ये बता सकता हूँ। और लेकिन 4 दिनों से आप 10,000 के नीचे बंद हो रहे हैं, तो अगर आज क्लोजिंग 10,000 के ऊपर हो जाए तो अलग बात है, बट अदरवाइज मुझे लगता है कि 10,000 के आसपास कहीं ना कहीं एक्सपायरी होनी चाहिए, उससे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं दिख रही अभी तक तो नहीं दिख रही। अनिल जी परफेक्ट व्यू इसी व्यू पे स्प्रेड है तो दे ही देता हूँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, स्प्रेड बना हुआ था 9900 की एक पुट लेनी है अनिल जी, 9900 की एक पुट लेनी है, 65 से 66 रुपए का रेट है, और 9800 की दो बेचनी है, 40 रुपए का रेट है, 39.40। तो अनिल जी इस स्प्रेड में आपको 14 रुपए का क्रेडिट मिल जाता है। 9900 की एक पुट लेनी है, 9800 की दो पुट्स बेचनी है, ये क्रेडिट स्प्रेड है 14 रुपए का, सेफ है 9700 तक। सो अनिल जी बिल्कुल आपने ठीक बोला, मेरी भी रेंज यही है 9800 से लेके 10100 तक, और 9800 बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कल तक के लिए, और मैं तो चाहता हूं कि 100-150 पॉइंट घट जाए तो उसमें बहुत पैसे आ जाएंगे इस स्प्रेड के अंदर। अदरवाइज ये 14 रुपए क्रेडिट में स्प्रेड बन रहा है अनिल जी। फिर रिपीट करता हूं, 9900 की एक पुट लेनी है, 9800 की दो पुट बेचनी है कल की एक्सपायरी की, 14 रुपए का क्रेडिट स्प्रेड है, सेफ है 9700 तक। अच्छा 14 रुपए आ रहे हैं आपके, बराबर है, तो 9700 बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं अनिल जी। और अच्छा 9900 के आसपास अगर एक्सपायरी होती तो पैसा कितना बन जाएगा सर? अनिल जी वो 9900 पे तो फिर तो 100 रुपए बन जाएंगे, 100 रुपए बन जाएंगे, बराबर है, ठीक बात है, ठीक है। तो अभी आपको खाली मार्जिन ही लगाना है, और उन वो नहीं, सॉरी अनिल जी 9800 पे 100 रुपए बनेंगे। हाँ 9800, सॉरी हाँ बराबर है, 9800 पे नीचे वाली पुट स्ट्राइक आपकी 9800, ठीक है 9800 पे 100 रुपए बनेंगे, नहीं तो 14 बनेंगे। बस 9700 के नीचे ही रिस्क आपके अनलिमिटेड है, पिछले दो दिनों में तो हमने तोड़ा नहीं है 9700, कल का लो 9728, परसों का लो 9726, खाली 12 तारीख को हमने जरूर 9544 का लो बनाया था, वो भी बनाया नाम के लिए, वापस ऊपर तो आई गए, तो ये आपके लिए है स्प्रेड। आइए अब बसिन साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और बसिन साहब के लिए बिगुल, उनसे लेते हैं उनकी बेटिंग पिक्स। बसिन साहब स्वागत है आपका। सर बताएं पहले तो आपका अपडेट जो भी स्टॉक्स पर आप देना चाहें। जी सर। हाँ सर, अपडेट ये है, सुबह आपको दो कॉल दी थी, SBI 172 रुपए और 84 रुपए पे, PFC 86 मार गया, PFC अभी भी बने रही है, 92 का टारगेट है, SBI 176.50 मार गया है, 185 का टारगेट है, ये दोनों आपकी कॉल खुली है। और उसके अलावा आप कहें तो मैं अब की कॉल दे दूं, जो चार कॉल हैं और चारों बाय की हैं, बिकॉज मार्केट कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है। क्या बात है, चार की चार बाय कॉल, तो आप दे, उससे पहले ये बताओ ये कॉन्फिडेंस कहाँ से सर? सर कॉन्फिडेंस तो मार्केट से है ना, आपको कहा था ये हफ्ता 10 दिन है, हफ्ते के बाद अब मुझे लगता है, और मार्केट वो वेट नहीं करना चाहती, वो कह रही है कुछ भी हो जाए, द अंडरटोन इज एक्सट्रीमली बुलिश। तो जैसे मैंने कहा आपको, जुलाई के महीने में 11,000 की तरफ जा रही है निफ्टी। जी बिल्कुल परफेक्ट है सर, तो ये है आपके लिए अंडरटोन बुलिश मार्केट में तेजी की चार और कॉल्स, बताएं सर वन बाय वन। सर पहला है हिंदुस्तान लीवर, इसका फ्यूचर डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, इसमें 14 रुपए डिविडेंड है, 2072 का भाव है, वो लीजिए, 2042 का स्टॉप लॉस है, 2140 से 2165 2140 2165 2140 2160, ये है टारगेट का लेवल, HUL अभी खरीद लीजिए, ये 2072-75 के आसपास चल रहा है, यहाँ ही पर ले लीजिए फ्यूचर्स, और 2042 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। पहली पिक बसिन साहब की क्लोजिंग वाली शो में, ये है आपके लिए ओके HUL। दूसरा स्टॉक सर? दूसरा RBL बैंक है सर, बैंकों में RBL और बंधन बहुत स्ट्रांग है, 163-163 है, इसमें आप स्टॉप लॉस 58.5 का रख लिए, इसमें 178-180 का टारगेट, 178-180 178-180 के टारगेट के लिए RBL बैंक में खरीदारी कीजिए, RBL बैंक 163-164 की रेंज में चल रहा है, यहीं पर आप ले सकते हैं और कर सकते हैं खरीदारी। तीसरा स्टॉक बताएं सर? तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा सर, 45 रुपए का भाव है, 42.5 का स्टॉप लॉस, 50 का टारगेट, 42.5 का स्टॉप लॉस है, 50 का टारगेट। बैंक ऑफ बड़ौदा लगातार बसिन साहब की बाय लिस्ट में हमेशा रहा है, बार बार रहा है, 45 के आसपास फ्रेश एंट्री कर ले, 42.5 का स्टॉप लॉस, 42.50 का 50 हाफ सेंचुरी, 50 रुपए का टारगेट। और आखिरी पिक सर क्लोजिंग वाले शो की, सर आखिरी हीरो मोटोकॉर्प, द बेस्ट ऑफ द टू व्हीलर्स एंड विच विल रिपोर्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर,
2365 का भाव है, 2340 का स्टॉप लॉस, 2150 2175, 2150 ट्रेडर के लिए, 2175 आपके थोड़ा सा जो रख सकते हैं 10 दिन के लिए। ओके, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय हीरो मोटोकॉर्प में, 2365 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 2340 का स्टॉप लॉस लगाइए, 2150 2175 के टारगेट के लिए यहाँ पर मशीन साहब के, मशीन साहब हाँ 2340 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 2450 2475 कर दूँ सर? हाँ जी 2450 2475 सर। परफेक्ट सर, ठीक है 2450 2475। वैसे भी आप इतने सारे कॉल्स देते हैं, इतने लेवल्स याद रखना भी अपने आप में भारी काम है, मजाक नहीं है। और आप लिख के रखते हैं ऐसे मन मन में याद रहता है मशीन साहब? सर सब दीवानी है, सब दीवानी लगा हुआ। क्या बात है, और वो भी एज कितनी है सर आपकी, 55 के ऊपर? 57 सर, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और एज जस्ट अ नंबर अनिल जी। सर अब आपकी उम्र में हमारी भी याददाश्त इतनी मजबूत रहे, बस यही हमारे लिए दुआ कीजिए सर, क्या गजब की याददाश्त है। चलिए बहुत बढ़िया, तो भसीन साहब के चारों बाय कॉल्स, HUL, RBL, BOB, हीरो मोटोकॉर्प, सर शुक्रिया। 3 बजे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी BTST कॉल्स के साथ, तब हम आपसे कुछ और कॉल्स लेंगे। बाजार मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, आइए खबरों वाले शेयर जान लें, और वो हम आपको थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जहां बाजार खुलने के बाद खबरें आई हैं। लेकिन इस बीच 20,400 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 9,950 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। टानला सॉल्यूशंस, ये स्टॉक आपके सामने लाएंगे जहां पर बड़ी हिस्सेदारी बदलती हुई दिखी है। इसका तो बायबैक भी था, 80 रुपये प्लस में कुछ बायबैक की भी खबर थी, बायबैक का शुरू हो गया या बंद होने वाला है, कोई तो अपडेट था हम टेक सॉल्यूशन में बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखी है, बड़ी हिस्सेदारी बदलती हुई दिखी है। ओहो क्या बात है, 2.25 करोड़ शेयरों के 3 बड़े सौदे में, स्टॉक 4% मजबूत है। कुणाल जी चार्ट देखिए जरा इसके, टेक सॉल्यूशन, टेक और डू नॉट टेक, अन्य जो अवॉइड करने की राय है, और वजह यह है कि या तो देखिए कहीं 4 दिनों से पिछले ये लोअर सर्किट पर था और अब हम देख रहे हैं ये अपर सर्किट पर है, तो वैसे भी किसी तरह का ट्रेड बनता नहीं है, संभव भी नहीं है ट्रेड करना, तो मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है और अपने पूरे पीयर ग्रुप को अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो कोई वजह नहीं है खरीदने की, मुझे लगता है कि जाने दीजिए। ये जहाँ तक टेक सॉल्यूशन का सवाल है, हालांकि एक स्पाइक जरूर हमने देखा है स्टॉक में आते हुए जब इसके नतीजे सामने आए थे। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं और देख भी लेते हैं कि आज खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं जो मार्केट से खुलने के बाद खबरों के दम पर उन पर रिएक्शन आते हुए देखा है। फार्मा स्टॉक्स आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहां से हमने तेजी आती हुई देखी है। ऑटो स्टॉक्स में लगातार तेजी बन रही है, वहां पर जबरदस्त एक्शन देखा है आपने, और साथ ही कुछ कंजम्पशन नेम्स भी हैं जहां पर आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच मदरसन सुमी में एक बार फिर से एक रिकवरी आई है, 90 तक गिर गया था, 100 से 90 तक का इसका करेक्शन होते हुए देखा था, अब वापस जो एक्शन आ रहा है कि अब वापस 100 या उसके ऊपर जाएगा। जय इसकी चार्ट जरा देखकर बताइए, मदरसन सुमी में आप कैसा एक्शन देख रहे हैं, जिस तरह से मूवमेंट आ रहा है, क्या ये वापस प्रीवियस 100 के लेवल से फिर उसके ऊपर जाने की तैयारी में? रिवर्सल तो बहुत ही बढ़िया है इनफैक्ट ये स्टॉक में, और मैं कहूँगा कहीं ना कहीं एक अच्छे रिट्रेसमेंट लेवल से भी ये स्टॉक रिवर्स हुआ है। अगर मैं क्लियरली अगर हम देखें तो लगभग 38% से ये स्टॉक कहीं ना कहीं रिवर्स हुआ है, बट देन मैं कहूँगा कि इसमें और तेजी दीप ये आज के हाई निकलता है, 100 रुपीज़ के ऊपर जाता है तो आई थिंक मानना चाहिए कि 110-115 तक जा सकता है। 100 के लेवल अगर नहीं निकालता है देन देर आफ्टर इट कैन अगेन फॉल बैक टू 90 लेवल्स। उसका कारण ये है दीप कि हमने देख लिया कि नीचे के लेवल्स अच्छा रिवर्स हुआ, बट ऊपर भी हमें देखना है कि एज ऑफ नाउ जो बाउंस आया वो 61% रिट्रेसमेंट के आसपास कहीं ना कहीं हॉल्ट हो गया और वहीं से रिवर्स हुआ है। सो वो लेवल निकालना बहुत जरूरी है टू कन्फर्म कि ट्रेंड शिफ्ट हो गया है डाउन टू अप। तो 100 के ऊपर ही खरीदे तब तक अवॉइड करें, क्योंकि अगर वो लेवल्स नहीं निकलते तो 90 तक गिर सकता है। ओके ये है आपके लिए राय मदरसन सुमी पर, अच्छा एक्शन देख रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले भारत फोर्ज पर भी आपके लिए खरीदारी की राय है तो वहां पर भी आप नजर रखिए। पर चलिए कुछ स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग के नंबर्स आए हैं, मुनाफे में हमने बढ़त देखी है, 80 करोड़ से मुनाफा 138 करोड़ का आया है, तो अच्छी मुनाफे में बढ़त देखिए, और देखिए स्टॉक पर भी रिएक्शन आ रहा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग की चार्ट देखिए कुणाल जी, यहाँ पर कुछ रिएक्शन आए में बहुत अच्छी बढ़त देखिए, लगभग
40-45% की बढ़त हमने आई में भी आते हुए, बल्कि उससे भी ज्यादा बढ़त देखिए, ऑलमोस्ट 80% की बढ़त हम आई में भी देख रहे हैं और मुनाफे में भी शानदार तेजी आई है। तो अच्छे नतीजे आए त्रिवेणी इंजीनियरिंग के और चार्ट पे भी वैसे रिएक्शन आ रहा है। हालांकि अब तो सर्किट लग गया है कुणाल जी, पर इसके आगे भी स्ट्रेंथ देख रहे हैं क्या? देखिए बिल्कुल स्ट्रेंथ दिख रही है, हालांकि जैसे आपने कहा दीपांशु सर्किट लगा हुआ है तो आप ट्रेड तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन जिनके पास पोजीशन है उन्हें ₹50 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। मुझे लगता है कि 55-56 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ट्रेजेक्ट्री बहुत ही स्ट्रांग दिखती है और 55-56 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो होल्ड करके चले, 50 का स्टॉप लॉस रखें। होल्ड करके चलिए 50 का स्टॉप लॉस, शानदार नतीजे आए हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग की तरफ से, स्टॉक में भी आप वैसा ही रिएक्शन देख रहे हैं। पर चलिए कुछ और स्टॉक्स पे फोकस कर लेते हैं, कुछ नतीजे जो आए हैं मार्केट्स खुलने के बाद, खबरों के दम पर भी एक्शन रहा है, पूरी लिस्ट तैयार है पूजा के पास। गुड आफ्टरनून पूजा, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु, काफी सारे नंबर्स आए हैं बाजार बंद होने के बाद, थोड़ी देर पहले त्रिवेणी इंजीनियरिंग की आपने बात की, इसके अलावा कुछ देर पहले नेटको फार्मा के भी नंबर्स आए हैं, नंबर्स कमजोर हैं, मुनाफा घटा है कंपनी का 121 करोड़ से घटकर 90 करोड़ के आसपास आया है और आय भी इस बार सपाट ही देखी गई है, 456 करोड़ से घटकर जो आय आई है वो 455 करोड़ की इस बार कंपनी ने घोषित की है। व्हील्स इंडिया के नंबर्स भी कमजोर हैं, मुनाफा घटा है 19 करोड़ से घटकर इस बार जो मुनाफा के फिगर्स आए 3.5 करोड़ के आए हैं और आय भी 907 करोड़ से घटकर 593 करोड़ इस बार कंपनी ने पोस्ट की है। रानी ब्रेक लाइनिंग, यहां पर भी कंपनी के जो नंबर्स हैं वो कमजोर साइड पर ही है, मुनाफा 14 करोड़ से घटकर 9 करोड़ और आय करीब 139 करोड़ से घटकर 119 करोड़ कंपनी ने दर्ज किया है, तो तीनों ही कंपनी के नंबर्स कमजोर साइड पर थे। इसके अलावा खबरों में टीटागढ़ वेगन से जुड़ी खबर आई थी जिसमें कि एबीपी के साथ कंपनी ने करार कर लिया है रेलवे इक्विपमेंट बनाने के लिए, यह करार किया गया और उसके बाद हमने देखा स्टॉक में एक तेजी भी देखी गई। प्राज इंडस्ट्रीज, यहां पर भी कंपनी ने एक करार किया है लाइगोस के साथ मिलकर कंपनी लैक्टिक एसिड यीस्ट तकनीक विकसित करेंगे, तो ये जो करार हुआ है इस खबर के आने के बाद हमने प्राज इंडस्ट्रीज में भी एक तेजी देखी। मारुति सुजुकी से भी जुड़ी सुबह खबर आई थी, कार लोन के लिए कंपनी काफी सारे टाइप्स कर रही है और अब जो लेटेस्ट है वो करूर वैश्य बैंक के साथ उन्होंने टाइप कर लिया है। कुछ ब्लॉक डील्स भी हुए हैं, एनटीपीसी में 26 लाख शेयरों का सौदा हुआ है, ₹91.60 प्रति शेयर पर यह सौदा देखने को मिला है। फेडरल बैंक में 31 लाख शेयरों का सौदा हुआ है ₹47.25 प्रति शेयर पर और इसके अलावा अगर बात करेंगे जी, ये दो ब्लॉक डील्स हैं जो कि हुई हैं। बिल्कुल, तो कुछ ब्लॉक डील्स हुई हैं, कुछ स्टॉक्स पर भी हमने बेहतरीन एक्शन आज होते हुए देखा है और खबरों के दम पर भी रिएक्शन आ रहा है। नेटको फार्मा की बात करी कुणाल जी पूजा ने, कल हम काफी एक्शन देख रहे थे इस स्टॉक में, रिकमेंडेशंस भी आई, हालांकि नतीजे थोड़े कमजोर आए हैं, पर जिस तरह से एक्शन बन रहा है नेटको फार्मा में, चार्ट्स आपको क्या बता रही है? देखिए यहाँ पर अगर आप चार्ट पर देखें दीपांशु, तो एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस ₹645 के आसपास है, आज का डे हाई भी देखें तो 648 का है, तो बिल्कुल जो आज का जो इसके स्टॉक के लिए मेजर रेजिस्टेंस है बिल्कुल उन्हीं स्तरों को पार करने में आज भी विफल रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब ये स्टॉक 648 की इस बाधा को पार कर जाए तब बाय करें और फिर मुझे लगता है 700-710 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, तो 648-650 के ऊपर मेरी खरीदारी की राय रहेगी। ओके, 648-650 के ऊपर खरीदारी की राय है जहां तक नेटको फार्मा का सवाल है, पर आप बढ़िया एक्शन देख रहे हैं जहां तक फार्मा स्टॉक्स हैं और कुछ ऑटो स्टॉक्स हैं जहां पर मूव्स भी अच्छी आ रही हैं, पर एक ऑटो स्टॉक है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है बल्कि सब ऑटो स्टॉक्स में अच्छी तेजी आ रही है और वो है M&M। जय, M&M के चार्ट आपको क्या बता रही है, क्योंकि बाकी इस स्टॉक में ऑलरेडी अच्छी रैली आ गई है, तो क्या अब M&M कंसोलिडेट करेगा और बाकी ऑटो स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे या फिर आपको लग रहा है कि M&M भी कहीं ना कहीं फिर से अप मूव दिखा सकता है यहां से? दीप आपने एकदम सही कहा, मैं कहूंगा यस, M&M काफी अच्छा परफॉर्म कर चुका है ऑलरेडी, अगर हम देखें तो जो इसके लोस्ट, इनफैक्ट ये ऐसा स्टॉक था जो ना ये तेजी में नहीं चल रहा था फास्ट, उतना तो ये बाउंस बैक में चल गया है दीप, अगर हम देखे तो मतलब काफी एक फास्ट रिकवरी हमें स्टॉक में देखने मिली है, इतनी फास्ट रिकवरी पहले इतनी रेयरली देखने मिलती थी M&M में, तो मैं कहूंगा वो 245 से लेकर लगभग 520-25 तक जाना, मतलब स्टॉक नीचे से डबल हो गया एंड इट हैज हैपन वेरी फास्ट एंड वेरी नाइसली, सो मैं कहूंगा थोड़ा बहुत यहाँ से कंसोलिडेशन ये स्टॉक में बनता है, एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये रिविजिट करता है 450 के आसपास के लेवल दीप,
देन आई थिंक इट वुड बी अ गुड लेवल टू री एंटर। एज ऑफ नाउ भले ये स्टॉक ऊपर जाए, ट्रेंड ऊपर है, बट रिस्क और पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं कर रहा है। अगर ये यहाँ से अगर मानिए कि 520 लेवल निकाल देता है तो मैं कहूँगा ये रिस्क और फेवर करेगा फिर, क्योंकि वो फिर से एक ब्रेकआउट होगा। अदरवाइज जो 450 के आसपास आता है तो ही बाय करना चाहिए। ओके, डिप्स पर खरीदारी करनी चाहिए, इन लेवल्स पर रिस्क रिपोर्ट फेवरेबल नहीं है। नवनीत, एजुकेशन के भी नतीजे आए हैं, वहाँ पे भी हम एक स्पाइक देख रहे हैं, अच्छे नतीजे आए हैं, मुनाफे में 10% की बढ़त है, 30 करोड़ से मुनाफा बढ़कर अब 33 करोड़ आए। आय में भी हमने अच्छी बढ़त देखी है, पर ये पिछले तिमाही के रिजल्ट हैं। करंट तिमाही में देखना पड़ेगा कि लॉकडाउन का कितना इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि स्कूल्स अभी भी बंद हैं और काफ़ी सारी ऑनलाइन लर्निंग्स हुई हैं, तो शायद जो स्कूल सीजन की बिक्री है वहाँ पर कितना असर पड़ा है वो देखना पड़ेगा। बट वैसे नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं। पर 2:30 बज रहे हैं, अनिल जी की स्ट्रैटेजी तैयार है, बिगुल बजाते हैं उनके लिए। अनिल जी, जिस तरह की ग्लोबल क्यूज आज सुबह थी और फिर इस समय है, कंप्लीट रिवर्सल यहां पर भी देखा है सर। डाओ फ्यूचर्स 250 अंक ऊपर है, शानदार तेजी वहां पर आ रही है। नैसडैक फ्यूचर्स की भी बात करें तो वहां पर भी 1% की तेजी है, तो अच्छा ट्रेड हो रहा है। एशिया के ज्यादातर बाजारों के निचले स्तरों से रिकवरी हुई और कुछ बाजार तो पॉजिटिव टेरिटरी में भी क्लोज हुए हैं। वहीं यूरोप के बाजार भी देखें तो 1% की तेजी आपको यूरोप के बाजार में भी दिख रही है, तो ग्लोबल क्यूज सर सपोर्टिव दिख रहे हैं इस समय। देखिए, बाहर के बाजारों में तो कोई समस्या है नहीं, वहाँ पर तो ट्रेड ठीक ही है, हरे निशान में है। और अमेरिका में मजबूती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ वोलेटिलिटी नहीं रहेगी, और इसका मतलब ये भी नहीं कि हरे निशान में ही बंद होंगे, और इसका मतलब ये भी नहीं कि हरे इतने ही हरे निशान में बंद होंगे। जो दिख रहा है उससे कुछ तो अलग होगा, इतना पक्का है, ये नहीं होगा, इतनी गारंटी है कि जो भी आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं ना, एक बार ले आता हूँ मैं डाउ फ्यूचर्स आपके सामने, कितना दिख रहा था, कुछ 225 पॉइंट ऊपर दिख रहे थे। जी हाँ, 200 पॉइंट, तो ये तो पक्का है कि अमेरिका जो आज रात को बंद होगा वो 200 पॉइंट ऊपर तो बंद नहीं होगा, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ तो अलग ही होगा, ये बात एकदम क्लियर कट है, पॉइंट नंबर वन। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला वही है जो थोड़ी देर पहले हुआ, कुछ नहीं करना दीप, जो करना है इंट्राडे करना है, इंट्राडे के अलावा कुछ नहीं करना। तो इंट्राडे में अब मैं पहले निफ्टी पे आता हूँ, 10,000 के आसपास आएगा तो शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे 50 पॉइंट के लिए, और ये होना चाहिए 3 बजे के पहले पहले, 10,000-10,050 के रेंज में शॉर्ट करेंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं। 20,500 के लेवल पर मेरी नज़र है बैंक निफ्टी पर, लेकिन यहाँ पर अगर 20,500 पार करके निकला तो यहाँ मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, यहाँ मैं खरीदूँगा। यहाँ अलग इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसका रीज़न बता रहा हूँ। अब आप ये बोलेंगे कि दो इंपॉर्टेंट लेवल है, आप दोनों पे अलग अलग क्यों बोल रहे हो, उसका मैं बता देता हूँ रीज़न डेटा के हिसाब से। 10,000 का जो ऑप्शन है ना, कॉल ऑप्शन, 10,000 के कॉल ऑप्शन पर 55 लाख शेयर हैं। चलो एक बार मान लो कि आप मंथली वाली सीरीज छोड़ दो, कल जो एक्सपायरी हो रही वही बात करते हैं, 30 लाख शेयर कॉल्स में हैं, तो 10,000 जैसे पार करेंगे 50 पॉइंट की तेजी तो आपको आराम से मिल जाएगी। 10,150 तक की जगह खुलती है, तो 10,050 तक के टारगेट के लिए आप अगर जैसे 10,000 पार करके टिकते हैं वो हो जाएगा। नीचे आपके लिए 9,900 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे जाएगा तो ही आपको मंदी सोचनी है। तो आपके लिए बचे हुए समय के लिए ट्रेडिंग रेंज होगी 9,900-10,000। 9,900 के नीचे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 12 लाख शेयर पुट में आज ही जुड़े हैं तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो अब आपको इस 100 पॉइंट की रेंज को ट्रेड करना है, तो इस 100 पॉइंट की रेंज में जिधर पहले पहुंच जाए उसके विपरीत ट्रेड ले लो। 9,900 पहले आए तो खरीद लो, 10,000 पहले आए तो बेच दो, और 50 पॉइंट मिलेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं, और वो भी 2:45-3 बजे तक, उसके बाद आए तो कुछ मत करो। अब आ जाइए बैंक निफ्टी, क्यों मेरी नज़र 20,500 पर है, और 20,500 पर देखिए दो ट्रेड बनते हैं। एक तो ट्रेड ये बनता है कि आप यहाँ पर बेच दो, 20,500 का स्टॉप लॉस लगा लो, 20,550 का लगा लो स्टॉप लॉस, और शॉर्ट कर दो कि चलिए आप एकदम रेंज के हायर एंड पे शॉर्ट कर रहे हैं, वापस आपको 20,400-20,300 तक का आराम से मिलेगा, वहाँ काटिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जिनको तेजी करनी है वो 20,500 के पार होने का इंतज़ार करें, 20,650-20,750 आपको मिलेगा ऊपर की तरफ, वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। 20,625 गिन लीजिए आज के हाई के आसपास, और 20,725 दो लेवल गिन लीजिए, क्योंकि 20,500 के कॉल्स में 6 लाख शेयर राइट किए हुए हैं। जैसे ही 20,500 पार करके टिका तो यहाँ पर कॉल राइटिंग जो हुई है वो शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखेगी, वो 100-200 पॉइंट तक की आराम से तेजी बैंक निफ्टी में ऊपर बना सकती है। तो 20,400-400-500 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है, वहाँ पर आप नज़र रखिए, और इधर 10,000 का लेवल मेक और ब्रेक है। लेकिन जो भी पोजिशन बनानी है दीप, सिर्फ इंट्राडे के लिए, सिंपल।
बिल्कुल पोजीशन बनानी है तो इंट्राडे के लिए बनाइए और फिर मुनाफे भी जल्द से जल्द बुक कर लीजिए। ये है आपके लिए सलाह, पर अच्छा लग रहा है बाजार इन लेवल से और ऊपर जाने के भी संकेत आ रहे हैं आपके लिए, तो ये है आपके लिए आखिरी घंटे की स्ट्रैटेजी। मजबूत ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, 20,500 या उसके ऊपर भी आपको बैंक निफ्टी जाने की तैयारी में दिख रहा है समय, फिलहाल 20,400 पर ट्रेड हो रहा है। कई सारे स्टॉक्स और हैं जो फोकस में आ रहे हैं आज, बढ़िया ट्रेड इन पर होता हुआ दिख रहा है। वर्लपूल एक ऐसा स्टॉक है, बंसल जी जरा वर्लपूल के चार्ट देखिए, पिछले 15 मिनट में अच्छी खरीदारी यहां पर आते हुए देखी है, चार्ट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है आपको? लगता है शायद वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रही, मैं फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करूँगा, लेकिन इस बीच जय ठक्कर तैयार है अपने ऑप्शन की स्ट्रेटेजी के साथ, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। बताएं जय। अनिल जी कॉल ऑप्शन खरीदना है बायोकॉन का, 400 वाला कॉल ऑप्शन जो अभी मिल रहा है 12 रुपए पे। अनिल जी इसमें स्टॉप लॉस रहेगा नीचे में 7 रुपए का, पहला टारगेट रहेगा 17.7 का एंड दूसरा टारगेट रहेगा 21 का। 12 रुपए से 17.70 और 21 हो जाएगा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि बायोकॉन में बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट साइडवेज कंसोलिडेशन का देखने मिला है, पहले एक इंपल्सिव मूव था। मैं कहूँगा कुछ दिनों से ये स्टॉक 396 के लेवल 95 के लेवल निकाल नहीं पा रहा था, 395.96 नहीं निकाल पा रहा था, और वही 395.96 से 375.76 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था ये 20 रुपए में। ये 20 रुपीज का ब्रेकआउट ऊपर में आया है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 420 का भाव हो जाएगा बायोकॉन का, और वो अगर होता है तो हमारी जो टारगेट्स है 17.70 से लेके 21 के आई थिंक अचीव हो जाएंगे। सो बायोकॉन का 400 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना। ये है आपके लिए राय इस वक्त बायोकॉन पर ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की। 400 रुपये चल रहा है एट द मनी कॉल ऑप्शन, यही खरीद लीजिए। 17.70 रुपये से 21 रुपये दो टारगेट, 7 रुपये का स्टॉप लॉस। ये है राय इस वक्त जय ठक्कर की तरफ से। राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर, आइए अगला बिगुल। बताएं सर। अनिल जी खरीदारी की राय है आइशन मोटर के अंदर, एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है एक नैरो रेंज में स्टॉक घूम रहा है और एक बड़ा मूव दिखाने का दमखम रखता है, तो छोटा स्टॉप लॉस है। 16,500 का एक स्टॉप लॉस लगा के आइशर मोटर को खरीदने की राय है। लेवल्स तो कुणाल जी देंगे अनिल जी, लेकिन टेक्निकल रुझान काफी पॉजिटिव है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए, यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न डेली चार्ट्स पर बनता हुआ दिख रहा है, ब्रेकआउट आया है और धीरे धीरे करके कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है। आइशर मोटर्स को खरीदें, यहाँ पर 16,550 का छोटा सा स्टॉप लॉस रखें, पहला टारगेट 17,300 का और दूसरा 17,500 का टारगेट है, तो 17,500 के टारगेट के लिए बाय करना है आइशर मोटर्स। स्टॉप लॉस अनिल जी 16,550 16,550 स्टॉप लॉस रहेगा। ओके 15,550 का स्टॉप लॉस, 16,825 17,300 17,500 ये है दो टारगेट, यहां पर आपको करनी है खरीदारी आइशर मोटर्स में तेजी करने की राय। तो चलिए कहीं कहीं तेजी करने की राय भी आती हुई दिख रही है। आएंगे आज मुथूट फाइनेंस के नतीजे कैसे रहेंगे रिजल्ट्स बताने के लिए पूजा त्रिपाठी हमारे साथ तैयार है। पूजा बताइए जी। मुथूट फाइनेंस के नंबर्स अच्छे ही देखने का अनुमान है और इस बार हमने देखा कि लॉकडाउन का भी ज्यादा कुछ असर पड़ा नहीं है गोल्ड फाइनेंस कंपनियों को, तो चौथी तिमाही वैसे भी इनके लिए अच्छी ही थी। हमारा अनुमान है कि जो ब्याज से आया है उसमें 25% की ग्रोथ रहेगी, प्रोविजनिंग अधिक करनी पड़ सकती है क्योंकि सावधानी के तौर पर कंपनी अधिक प्रोविजनिंग थोड़ा बहुत अपने बुक्स पे करेगी, लेकिन उसका भी असर कंपनी के मुनाफे पर ज्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं अन्य आय से भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। और वहीं दूसरी तरफ एसेट क्वालिटी की भी बात करें तो वो भी स्टेबल ही रहेंगे, 2.5% ये आंकड़ा पिछले तिमाही का था, अगर इस तिमाही की बात करेंगे तो ये आंकड़ा 2.5 के आसपास ही रहेगा, तो एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर भी यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं है। हाँ मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या होती है आने वाले समय के लिए, कितना वो और ज्यादा फोकस, क्योंकि मुथूट फाइनेंस का जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा डाइवर्सिफाइड उन्होंने बीच में किया था, तो अब वो कितना फोकस लोन पोर्टफोलियो में गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में करेंगी, ये कुछ ऐसे बयान है कॉमेंट्रीज है मैनेजमेंट की तरफ से जिस पर की नजर रहेगी।
रहेगी, नतीजे अच्छे एक्सपेक्टेड है मुथूट फाइनेंस से। ओके, ये है मुथूट फाइनेंस के नतीजों पर आपके लिए राय। जय, नतीजों से पहले कोई ट्रेड बनेगा मुथूट फाइनेंस में? जी, जहाँ तक मुथूट फाइनेंस का सवाल है, मैं कहूँगा कि इसमें तो बहुत ही अच्छा एक मूव हमें देखने मिला ही है। स्टॉक ऑलरेडी एक अच्छे बुल मार्केट में है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें और भी हमें बढ़त देखने मिल सकती है, बिल्कुल प्रोवाइडेड कि एनर्जी इसके जो नीचे के लेवल से वो होल्ड कर पाए अच्छी तरह से। मैं कहूँगा 975 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर जब तक ये होल्ड कर रहा है आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड बुलिश रहेगा। ऊपर में लगभग हमें 1020 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 975 बहुत क्रूशियल है एनर्जी, वो ट्रेडिंग स्टॉप रहना चाहिए किसी की लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है या किसी फ्रेश पोजीशन बनानी हो तो। ये है आपके लिए मुथूट फाइनेंस पर राय। सुमित जी हमारे साथ तैयार है इस वक्त फोन लाइन पर। सुमित जी, आपके लिए कौन सा बिगुल, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, सैटेलाइट? अनिल जी, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। ओके, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का बिगुल सुमित जी के लिए। बताएं सुमित जी। अनिल जी, मेरे पास यहाँ पे एफएमसीजी स्टॉक में पुट लेने का सलाह है। मेरे को एफएमसीजी स्टॉक में डाबर यहाँ पे वीक लग रहा है, डाबर के अंदर ब्रेकडाउन है ऐसा लग रहा है चार्ट को देखते हुए कि ये 430 रुपए से लेके 425 तक के लेवल डाबर में देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए डाबर का 440 वाला पुट लेने का सलाह रहेगा जो कि 9.5-10 रुपए के आसपास अभी अवेलेबल है। डाबर का 440 वाला पुट लेने का सलाह रहेगा। इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 7 रुपए या 7.5 रुपए के आसपास का। जो लेवल्स मैंने बताए हैं डाबर के अंदर 440 425 के, वो टारगेट अचीव होने पे इस पुट का वैल्यू ऊपर के अंदर जो देखने को मिल सकता है वो करीब करीब 14 रुपए से लेके 16 रुपए तक देखने को मिल सकता है। 1 से 2 दिनों का ट्रेड है, इस हफ्ते का ट्रेड आप मान के चल सकते हैं। तो 440 का पुट यहाँ पे खरीदारी करें, 14 से 16 का टारगेट होगा, नीचे में 7 या 7.5 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 13-14 रुपए तक के टारगेट के लिए यहाँ पर करें खरीदारी। डाबर का पुट खरीदना है 10 रुपए के आसपास और 7.5 रुपए का स्टॉप लॉस, 13-14 का टारगेट और 430-25 तक शायद डाबर गिरकर नीचे आ सकता है, तब आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करना है। दूसरा ऑप्शन सर? दूसरा इंडेक्स के ऊपर है अनिल जी। इंडेक्स पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं हो रहा है और दबाव देखने को मिल रहा है। इसके लिए निफ्टी का कल की एक्सपायरी वाला 9,900 का पुट लेने का सलाह रहेगा। मैंने जब स्पॉट किया था तभी 55 रुपए था, अभी 62-63 रुपए के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ले सकते हैं। निफ्टी का 9,900 का पुट कल की एक्सपायरी वाला अभी खरीदारी करें। मेरे को लग रहा है निफ्टी यहां से गिरावट दिखा सकता है और 9,900 का लेवल एक बार ब्रेक कर सकता है। ऐसा होने पर निफ्टी का पुट का टारगेट होगा 120 रुपए से लेके ऊपर में 140 रुपए तक और 10 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। इसको एक्सपायरी ट्रेड के तौर पर काम किया जा सकता है। ओके, 9,900 का पुट 62-63 रुपए में लेना है, टारगेट क्या रखना है एक बार सुमित जी वापस बताएं? 120 रुपए से लेके 140 रुपए तक का। ओके, 120-140 का यहां पर टारगेट रखकर आप करें खरीदारी, 10 रुपए पर रखें स्टॉप लॉस। निफ्टी 9,940 पर ट्रेड कर रहा है, 9,900 का पुट ऑप्शन खरीदना, तो डाबर भी पुट निफ्टी भी पुट। सुमित जी का ध्यान थोड़ा मंदी, सुमित जी मंदी का ध्यान है? हाँ अनिल जी, मंदी का ध्यान है क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा कि 10,000 के ऊपर निफ्टी एक बार सस्टेन करेगा और 9,900 का लेवल तोड़ेगा तो फिर अच्छा 100-150 पॉइंट का निफ्टी के अंदर फॉल देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये कल ही देखने को मिले, तो मेरे को यहाँ पे कन्विंसिंग सेल बैठ रहा है। अच्छा, डाउ फीचर्स तो नहीं देखते आप? क्या देखते हैं कभी कभी? रात को देखता हूँ, जब नींद नहीं आती कभी। अरे रात का तो लाइव ट्रेड होता है, रात को कहाँ फ्यूचर देखना है। ओके, लेकिन आराम से सोया के कहाँ फ्यूचर व्यूचर डाउ के चक्कर में पड़ते हैं, कोई फायदा नहीं, मैंने करके देख लिया। अभी फ्यूचर देखो, रात को पता नहीं खुलेगा कहाँ पर, बंद भगवान जाने कहाँ होगा, और सुबह फ्यूचर्स कहीं और ही ट्रेड करते हुए मिलेंगे। ये आजकल टाइम ही नहीं है डाउ फ्यूचर व्यूचर देखने का, बस आराम से शांति से हो ज्यादा बढ़िया। बिल्कुल, आपने एकदम सही बोला, देख के कोई फायदा नहीं है। हाँ। बट मेरा मेजर व्यू अपने चार्ट को देख के इंडियन। वैसे भी अभी तो आप जयपुर में हो ना? बिल्कुल, जयपुर में। आनंद लीजिए मौसम का और शहर का, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू वेरी मच सुमित जी। और बस थोड़ी देर में हमारे साथ विश्वेश जी जुड़ेंगे जो आपको देंगे एक्सपायरी का ऑप्शन। तो विश्वेश जी भी बहुत ही जल्दी बस तैयार हैं फोन लाइन पर आने के लिए। विश्वेश जी हमारे साथ पहुंचेंगे और उसके बाद हम इस बीच आशु सर कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आशु सर के पास पहुंचता हूं। जी सर। अनिल जी, अभी आप डाओ का पूछ रहे थे ना, तो पहले होता था कि डाओ कल क्या खुलेगा या क्या शाम को हुआ उस पर ट्रेड होता था। अब डाओ के करंट फ्यूचर और एक्चुअली जो डाओ होता है वो क्या होगा और जो होने के बाद उसके बाद क्या फ्यूचर दिखा रहा है, 3 legs of dog के ऊपर आपको निफ्टी का व्यू लेना है। सुनील जी, आप तो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि ये इंट्राडे वाला ही काम है,
क्योंकि अभी जहां कंफर्ट आने लगेगा वहां इंडो बॉर्डर पे कोई ना कोई इंडो चाइना बॉर्डर की कोई स्टेटमेंट आएगी, तो वॉलेटिलिटी विद इन ए बैंड इतनी एक्सट्रीम होनी है, या तो आप ऑप्शन के थ्रू करिए, अदरवाइज तो अनिल जी अगर रॉन्ग साइड बैठ गए ना और उस रॉन्ग साइड को ठीक करने के लिए प्लस माइनस करके किसी को पैसे नहीं आ सकते, बहुत डिफिकल्ट ट्रेडिंग है इस वक्त। ओके, तो ये है। और इससे मुझे एक चीज याद आती है आशु जी, अभी देखो कितनी ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गई, कंप्यूटर पे होता है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सेकंड्स में सौदे हो जाते हैं, ठीक है, और इतना वॉल्यूम है, इतनी लिक्विडिटी, उसके बावजूद कमाना इतना मुश्किल हो गया। एक ज़माना था रिंग का, जब दो घंटे के लिए रिंग खुलती थी खाली, है ना, ब्रोकरेज लगती थी 4-4, 5-5%, सेटलमेंट होता था 2-2, 3-3 महीने में, उसमें सब लोग पैसे कमा जाते थे, अभी नहीं कमाते हैं। ठीक उसी तरह से अब पहले खाली हमारे मार्केट चलते थे, आराम से सबके पैसे बनते थे, अब डाओ भी देख लो और फ्यूचर भी देख लो और अभी का भी देख लो और तब का देख लो और एसजेक्स देख लो और सब देखो और उसके बाद भी पैसे नहीं बनते, ऐसा क्यों? अनिल जी इसका जवाब ये है कि पहले जब आप स्टॉक लेते थे या बेचते थे तो वो उसकी डिलीवरी आपको मिनिमम 15 दिन बाद मिलती थी और आपको तो 24 घंटे के बाद तो रेट पता चलता था, 15 दिन बाद डिलीवरी आती थी। अरे जी अब तो 15 दिन में 2 एक्सपायरी हो जाती है लाखों करोड़ के वॉल्यूम की, तो इतने बड़े वॉल्यूम में और इतनी स्विफ्ट ट्रेडिंग हो रही है, वो कंपैरिजन नहीं अनिल जी, बिल्कुल इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। अब तो जी विशेष टिप्पणी, देखिए अनिल जी ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय जी बिजनेस नहीं था अनिल जी, ना पता चलता था कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है। और अनिल जी और लाइटर नोट देखिए, जिन जिन पैनलिस्ट को अनिल जी नींद नहीं आती है रात को यूएस मार्केट के फ्यूचर्स देखते हैं, तो आप अनिल जी एक बार दोबारा से जूम पर एक गेट टुगेदर कराइए। नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता बंसल जी, गलत बंसल जी, यहीं पर आपको रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, जूम का इस्तेमाल बंद, चाइनीज एप्लीकेशन है बंद, बिल्कुल बंद, जूम का कोई इस्तेमाल नहीं होगा अब। दूसरा अच्छा एक हिंदुस्तान, आपने वो एमएस टीम है, गूगल वाला है, अरे बहुत सारे, जूम नहीं, हाँ मीटिंग होगी लेकिन जूम पर नहीं होगी, ये बात पक्की है। हाँ अब बताइए बात पूरी कीजिए। तो अनिल जी उस मीटिंग में ऐसे ऐसे मैं फूड सप्लीमेंट्स बताऊंगा, जिन जिन को स्लीप डिसऑर्डर हो रहे हैं उनके स्लीप डिसऑर्डर खत्म हो जाएंगे, इनफैक्ट सुबह उठने का मन नहीं करेगा और हो सकता है अनिल जी सुबह 8:30 बजे लेट पहुंचे। चलिए बढ़िया है, ओके इस पर रहेगी नजर। लेकिन इस बीच विश्वेश जी हमारे साथ तैयार है एक्सपायरी का ऑप्शन देने के लिए, विश्वेश जी के लिए बिल्कुल। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन या आप हमेशा लेट क्यों हो जाते हो सर? सर आप बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन कर रहे थे तो मैं तो सुनी रहा हूँ। बताइए सर, बताइए। देखिए मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी आज 20,600 के रेजिस्टेंस पे जो फेल हुआ है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, और वहां से फेल होना ये बताता है कि 20,600 के ऊपर हम नहीं जा रहे हैं जल्दी में, और 10,000 के तो यहाँ पे जो मैंने ट्रेड चुना है वो है 20,700 का इन द मनी ऑप्शन। ठीक है, आपको लगेगा इतना ज्यादा इन द मनी क्यों है, उसका सिंपल रीजन है 20,500 के कॉल में राइटिंग हो रही है और जिस हिसाब से 20,000 के पुट में राइटिंग हुई है मुझे लग रहा है 20,000 के पुट राइटर भी ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट 19,400 की ओर जा रहा है जिस हिसाब से बैंक निफ्टी का सेटअप है। तो बैंक निफ्टी का जब मैंने आपको मैसेज किया था 450 के आसपास, तभी 580 है, अभी भी खरीदिए बैंक निफ्टी का 20,700 का पुट ऑप्शन खरीदना है, आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 20,400 का निफ्टी पे, और मुझे लग रहा है कल के दिन तक 500 पॉइंट तक बैंक निफ्टी में गिरावट देखने मिलनी चाहिए यहाँ से 19,600 तक। तो बैंक निफ्टी का ये जो 20,700 का पुट ऑप्शन है ये हमारे बात करते करते 600 रुपए हो गया, मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन की वैल्यू एटलीस्ट 700-800 रुपए होनी चाहिए। तो 700-800 मतलब 700-800 में 20-700 का है ना, तो 20,000 आ गया तो वो 800 रुपए हो जाएगा भाव लगभग, बराबर ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, तो कल 19,750 ये रेंज में कल आ सकता है बैंक निफ्टी, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट थोड़ा सा हमारा कन्वर्सेशन लीड इनिशिएट हुआ सर, मैंने आपको मैसेज थोड़ा पहले किया था, 20,600 पे जैसे ही फेल हुआ मुझे लगा था वो क्या 2:45 बजे का टाइम फिक्स कर दिया ना एक्सपायरी का ऑप्शन का, अभी थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। नहीं नहीं मैं समझ गया सर, एक्चुअली क्या है आपका ही चैनल है और आई एम वेरी थैंकफुल की अपॉर्चुनिटी देता है, तभी भी हम कुछ आइडेंटिफाई करते हैं, और सर एज अ ट्रेडर मैं मानता हूँ कि जब भी कुछ दिखे तभी मैं मैसेज कर देता हूँ आपको इमीडिएटली। और आप तो एक काम करो उसमें, एक और मैं आपको आइडिया देता हूँ जी सर, जो आप भेजो ना कॉल देना है मुझे कि अनिल जी मुझे कॉल देना इमरजेंसी,
अच्छा इमरजेंसी, हाँ बिल्कुल इमरजेंसी सब मैं आशीष जी को और बाकी जितने भी लोग हैं सबको चुप करवा के सबसे पहले आपका लूंगा। सर ये बहुत खराब सेटअप है निफ्टी बैंक निफ्टी पे फिलहाल के लिए, और जिस हिसाब से हमने पैटर्न आज तोड़ा है मुझे लगता है 300-400 पॉइंट तो निफ्टी आज क्लोजिंग तक ही उड़ जाएगा। ठीक है, टारगेट 700-800 रुपए का रखना बराबर ना? जी बिल्कुल। ठीक है सर, चलिए तो 550-575 के आसपास ये खरीदिए आप बैंक निफ्टी का 20700 का। अच्छा सर अब तो 20700 इतना इन द मनी हो गया, थोड़ा नीचे का दिला दो, क्यों फालतू में 700 रुपए लगवा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी मैं देता हूँ। अगर आपको एट द मनी ऑप्शन खरीदना है सर तो मुझे लगता है कि 20300 बेसिकली द रीजन यू वांट टू बाय इन द मनी ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शन का सर डेल्टा जो होता है मतलब कि एट द स्पीड ऑप्शन बढ़ेगा कंपेयर टू अंडरलाइन वो ज्यादा होता है, तो आप 20300 का पुट ऑप्शन खरीदिए अनिल जी। 20300 भी मेरे हिसाब से सेफ रह सकता है यहाँ पे जिस हिसाब से मार्केट जा रहा है। 20300 का आपको ऑप्शन खरीदना है, 20300 का कल का ऑप्शन चल रहा है करीबन 338 रुपीज के आसपास। हाँ। मुझे लगता है कि 260 का स्टॉप लॉस रखिए, 400 रुपए और 480 रुपए दो टारगेट रहेंगे यहाँ पे। एक मिनट अब ये मैं नोट कर लेता हूँ, 400-480 रुपए का टारगेट, 20300 का पुट ऑप्शन खरीदिए 323 में और 280 का स्टॉप लॉस, बराबर है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, परफेक्ट, ये ज्यादा ठीक लग रहा है सर। तो कोई बात नहीं, थोड़े लेट हुए लेकिन ऑप्शन और बढ़िया मिल गया हमें। तो ये है विश्वेश जी की राय, बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीदिए 20300 वाला, ये भी इन द मनी है, 330 रुपये में मिल रहा है, यहाँ आपके पैसे कम लगेंगे, वहाँ पर है ना बहुत लग जाते हैं 550-600 रुपये ज़्यादा हो जाते हैं, तो ठीक है पर फर्स्ट क्लास। अच्छा सर अभी बजे है 2:50, 40 मिनट और है, विश्वेश जी अगर कोई और कॉल आ जाए आपके ध्यान में जी सर तो तुरंत फोन अ फ्रेंड कर लीजिएगा, लाइफ लाइन यूज करिएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आईजीएल रिजल्ट्स देने वाला है, कैसे रहेंगे रिजल्ट्स अनुमान बताने के लिए तैयार है संदीप ग्रोवर। संदीप बताइए। देखिए नंबर सर ढीले ही रहेंगे, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करें हमारा ऐसा अनुमान है कि इनकी बिक्री 4.5% के आसपास गिरेगी। ये दरअसल इसलिए क्योंकि मार्च का जो आखिरी हफ्ता था, इनफैक्ट उससे पहले ही लॉकडाउन से पहले ही इनके वॉल्यूम्स में कमी आनी शुरू हो गई थी, तो उस वजह से करीब 3% के आसपास का ड्रॉप इनके वॉल्यूम्स में इस बार देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल वॉल्यूम तो खराब रहेंगे ही लेकिन उससे ज़्यादा सीएनजी वॉल्यूम्स के ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, और कामकाजी मुनाफा करीब 5.25% के आसपास गिरेगा, 425 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर आएंगे। मार्जिन जरूर ये मेंटेन कर पाएंगे 23.5% के आसपास, बावजूद इसके कि 4.5% इनका कामकाजी मुनाफा और बिक्री घट रही है। ये दरअसल इसलिए क्योंकि एक तो पन्ना मुक्ता ताप्ती जो पीएमटी फील्ड्स हैं और जो स्पॉट एलएनजी ये जो सोर्स करते हैं अपने ग्राहकों को पास ऑन करने के लिए या वितरण के लिए, उसकी कीमतें कम हुई हैं और इन्होंने ये जो घटी हुई कीमतें हैं अपने ग्राहकों को पास ऑन नहीं करी हैं, तो उस वजह से खर्चों में कमी हुई है जिस वजह से इनके जो मार्जिन है वो मेंटेन रह सकते हैं। हालांकि एक फैक्टर इसमें ये भी है कि रुपया भी कमजोर हुआ है इस दौरान, तो जो स्पॉट एलएनजी ये खरीदते हैं वो डॉलर टर्म्स में आती है, तो उस वजह से काफी हद तक जो कीमतें कम हुई हैं उसका जो एक इंपैक्ट है जो पॉजिटिव असर है वो निगेट भी होता हुआ दिख सकता है। ये समझना होगा मैनेजमेंट से, लेकिन फिर भी हमारा अनुमान है कि 5.5% का मुनाफा घटता हुआ दिखेगा और 268 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर इस बार रिपोर्ट हो सकते हैं। नेट नेट देखा जाए नंबर्स कमजोरी रहने का अनुमान है। ओके, तो ये है आपके लिए आईजीएल पर राय अनुमान नतीजों का जो आने वाले हैं आज। नतीजों से पहले जय, आईजीएल में कोई खरीदारी करनी है या अगर ऑप्शन लिक्विड हो और आपको लगता हो कोई ऑप्शन पुट या कॉल का लिया जा सकता है तो वो बताओ। आईजीएल को देखकर नो अनिल जी मुझे ये लग रहा है कि क्लियरली इसमें एक स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है ऑप्शंस की, और इसके ऑप्शंस ऐसे तो लिक्विड होते हैं जनरली अनिल जी, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहूँगा कहीं ना कहीं ये स्टॉक में अगर एक चीज़ मैं क्लियरली देख रहा हूँ तो ये है कि 460-455 के आसपास के जो लेवल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है, और अनिल जी ये होल्ड कर जाता है बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि लगभग ये जो लेवल्स है कहीं ना कहीं 24 या तो मैं कहूँगा अप्रैल से अच्छा हेल्ड कर रहे हैं सिंस अप्रैल एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 2 मंथ्स अभी ये लेवल्स को ब्रेक नहीं कर रहा है इतना कन्विंसिंगली, तो अगर वो ब्रेक कर जाता है 455 का तो मैं कहूँगा बहुत ही शार्प डाउन साइड हमें देखने मिल सकता है, अदरवाइज कहीं ना कहीं हमें एक तेजी देखने मिल सकती है, तो इसमें मैं कहूँगा लिमिटेड तेजी ही देखने मिलेगी ऊपर की तरफ। तो अनिल जी एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी इसके लिए ये होगी कि हम इसमें एक बुल कॉल रेशियो स्प्रेड बनाकर चल सकते हैं। इसमें काम ये करना है हमें कि हमें एज ऑफ नाउ 480 का एक कॉल ऑप्शन खरीदना है जो हमें 17 रुपये के आसपास मिलना है, 17-16 के आसपास मिलना है, 480 का कॉल ऑप्शन एक बराबर अनिल जी, और ऊपर में मैं कहूँगा कि 2 कॉल ऑप्शन बेच देने हमें 500 के जो करीब बिक रहे 9.5 रुपये के, तो मैं कहूँगा नेट नेट इन्फ्लो हमारा हो जाएगा 19 रुपया और हमारा आउटफ्लो है 17 रुपये, तो नेट नेट 2 रुपये का इन्फ्लो होगा। मुझे नहीं लगता अनिल जी कि ये स्टॉक 500 के ऊपर एज ऑफ नाउ जाना चाहिए, 500-510 के आसपास रेजिस्टेंस है, और कहीं ना कहीं अगर 455 के लेवल ब्रेक हो गए तो भी 2 रुपये तो हमें इन द मनी मिल ही गए, तो मैं कहूँगा ये स्ट्रैटेजी बेस्ट है। अगर 500 के आसपास ये क्लोज हो जाता है अनिल जी तो मैं नेट नेट जो मुनाफा होगा करीब
मैं कहूंगा 22 रुपए का हो जाएगा, बिकॉज 20 रुपए तो हमें ऑलरेडी मिलेंगे और साथ ही साथ हमें दो रुपए इन द मनी मिल गए। तो मैं कहूंगा 480 का एक कॉल ऑप्शन खरीदिए, 500 रुपए के दो कॉल ऑप्शन बेचिए, बुल कॉल रेशियो स्प्रेड बनाना चाहिए आईजीएल में। बिल्कुल, तो नजर रखिए आईजीएल पर। नतीजों से पहले आपको इसमें एक्शन देखने को मिल रहा है, दोनों तरफ के ट्रेड्स हो रहे हैं, थोड़ी वॉलेटिलिटी ऑफकोर्स बाजार में भी इस समय बढ़ती हुई दिख रही है। निफ्टी लाल निशान में आ गया 9900 के नीचे 9880 पर, और बैंक निफ्टी भी 100 अंक फिसल कर अब 20200 पर ट्रेड कर रहा है। तो दोनों तरफ के ट्रेड हो रहे हैं, थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, जैसे कि आधा घंटा आ रहा है, आखिरी आधा घंटा आ रहा है ट्रेड के लिए। कुछ और स्टॉक्स जिनके बारे में फोकस कर लेते हैं, नतीजे आने वाले हैं, REC इसका क्या अनुमान लगा रहा है बाजार, पूजा से पूछ लेते हैं। बताए पूजा जी, REC के नंबर्स भी अच्छे रह सकते हैं ये तिमाही में, क्योंकि कंपनी के जिस भी प्रोजेक्ट्स में पैसे लगे थे वहाँ वो सबके सब ऑपरेशनल थे और वहाँ से अच्छा कलेक्शन और रिकवरी हुई है। यहाँ पर जनरेशन और इनका जो TED सेगमेंट है काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो वहां से एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। 11% की मजबूत AUM ग्रोथ भी रहेगी तो उससे भी सहारा मिलेगा। अनुमान है हमारा कि ब्याज से आय में 14% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मुनाफे की बात करेंगे तो 47% की ग्रोथ देखने का अनुमान है, और यहाँ पर भी अन्य आय से सपोर्ट मिलेगा। पूंजी की स्थिति भी बेहतर है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की स्थिति भी स्ट्रांग है 18% की, तो यहाँ पर फिलहाल पूंजी जुटाने की भी जरूरत नहीं है। और सरकार जिस तरह से फोकस कर रही है पावर सेक्टर के रिवाइवल पर, कंपनी को भी काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। और REC के साथ एक और बात है कि वो पहले ही जितने भी स्ट्रेस्ड एसेट्स थे वो पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और उनके सामने पर्याप्त प्रोविजनिंग कंपनी ने कर ली है, तो इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। और कंपनी को इस तिमाही हमारा मानना है कि ज्यादा प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ेगी, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मुनाफे में भी अच्छी ग्रोथ देखने का अनुमान है। ग्रॉस NPA वहां पर कमी आ सकती है, 6.4% ही आंकड़ा था, इस बार 6.3% के आसपास ही आंकड़ा देखने को मिल सकता है, तो नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है REC से। अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद है REC से। किरण जी, आपसे लगातार इस स्टॉक पर बात हो रही है और आपने ट्रेड भी दिया था, आपने कहा था 110 के ऊपर जाता है तो ही ट्रेड करिए। आज थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, फ्रेश एंट्री के लेवल्स हैं ये या फिर अवॉइड करना चाहिए ट्रेड? ओके, किरण जी से दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट कल इस स्टॉक पर जरूर चर्चा हुई थी किरण जी के साथ। अब थोड़ी गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। जय, आप REC अगर ट्रैक करते हैं चार्ट पर कोई व्यू दे पाए, इस समय गिरावट है 1% नीचे। मैं कहूंगा कहीं ना कहीं REC एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हमें बढ़त अच्छी देखने मिली है रिसेंटली, और इसका रेजिस्टेंस है ऊपर में लगभग 110 से लेके 112 के आसपास का। मैं कहूंगा ये लेवल्स कहीं ना कहीं ये स्टॉक की हर्डल फेस करो, और मैं कहूंगा कि एक राइज अच्छी हमें देखने मिली है ये स्टॉक में, और एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड हुआ है। बट पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें जिसमें ऐसा हो रहा है कि मार्केट में प्राइस ऊपर जा रहा है बट वॉल्यूम इंटरेस्ट इतना नहीं आ रहा है, तो विदाउट वॉल्यूम प्राइस इसमें ऊपर जा रहे हैं। सो 112 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है विद वॉल्यूम्स तो ही बाय करना चाहिए, अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है जो विदाउट वॉल्यूम्स की रैली हमें शायद देखने मिली है ऊपर, मे बी उसके कारण थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग का एक दबाव हमें देखने मिल सकता है, जिसके कारण से फिर से ये स्टॉक लगभग 100 से लेके 98 के जोन्स तक फिर से आ सकता है। सो REC अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इस समय। हालांकि हमने किरण जी से भी स्टॉक के बारे में बात करी थी और उनका भी व्यू यही था कि अगर 110 के ऊपर जाता है तो आप फ्रेश खरीदारी इसमें देख सकते हैं। वैसे निचले स्तरों से रिकवरी थोड़ी आती हुई दिख रही है REC, तो वॉलेटाइल बाजार है, दोनों तरफ के आपको ट्रेड इस समय आते हुए दिख रहे हैं। 9900 पर वापस आने की कोशिश कर रहा है इस समय निफ्टी, तो एक अटेम्प्ट है, और 20,250 पर आ गया है बैंक निफ्टी। अनिल जी, एकदम एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी हो रही है, 2 मिनट में 50 अंक का रिबाउंड आया है बैंक निफ्टी पर, निफ्टी वापस 99 आने की कोशिश कर रहा है, और दोनों तरफ के ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं सर। रिलायंस एकदम तेजी से गिरा है, रिलायंस का इंट्राडे चार्ट लेकर आई, और काफ़ी कुछ अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में खबरें चल रही रिलायंस को लेकर के, शायद कोई उनकी जो फेसबुक के साथ डील हुई वो CCI जांच कर रहा। अब ये खबरें सही है गलत है पता नहीं, लेकिन जब से खबरें आने लगी उसके बाद तेज गिरावट रिलायंस में आई है, उसी वजह से निफ्टी में तेज गिरावट आई है। तो निफ्टी में जो गिरावट आई है उसके पीछे रिलायंस, अब वो खबरें सही गलत है वो पता नहीं, लेकिन अभी तक वो वेरीफाइड नहीं है, इसलिए भरोसा ना करें, जब आए तो सोचेगा। 1600
32-30 का हाई बनाकर 1610 20 रुपये रिलायंस टूटा है, तो ठीक है 20 रुपये तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। रिलायंस का 20 रुपये गिरना लाइफ टाइम हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ऐसी ही खबरें हैं, कोई खास चिंता वाली बात नहीं। तो शायद ये वजह से थोड़ा सा रिलायंस नीचे आया, और रिलायंस नीचे आने से थोड़ी सी निफ्टी में आपको दबाव दिखा, लेकिन ठीक है अब वापस से स्टेबल और सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। 9900 के आसपास निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। तो ये सब आजकल बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, कोई कुछ भी खबर डालता है, आप आंख बंद करके भरोसा करें, विश्वस्त सूत्रों का या तो कोई अच्छे वायर्स हों वहाँ से खबर आ रही हो, कोई अच्छे चैनल से आ रही हो तो वो सोचें, या फिर ऑफिशियल खबरें आ जाने दें, इस तरह से वो आने के बाद ही आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आजकल खबरें बहुत सारी कहीं भी किधर भी आती है, ये आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। और आजकल क्या है, बहुत सारे ऐसे ट्विटर हैंडल बन गए जिनके मुश्किल से 8-10 हज़ार फॉलोअर होंगे, लेकिन वो अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे वो न्यूज़ एजेंसी है, वो न्यूज़ देते हैं, तो इनसे सावधान रहिए, ये सही नहीं है। जो अमेरिकन न्यूज़ एजेंसीज वगैरह हैं उनके नाम हैं बहुत लोगों ने, तो थोड़ा सावधान रहिए, कोई भी खबर पर ऐसे कूद मत पड़िए, कुछ भी मार्केट वॉलेटाइल है कूदिए मत, शांति से देखिए, किसी भी खबर पर भरोसा मत कीजिए। इसलिए मैं आपको चेताने के लिए कह रहा हूँ कि ये खबरें कहीं कोई पुष्टि नहीं है इस तरह की खबरों की जो बात हो रही है, तो तब तक भरोसा मत कीजिए जब तक एकदम सही सोर्स से खबर ना आए। और इसीलिए आप देखिए मार्केट निचले स्तरों से अच्छी रिकवर भी हो गए, बिना मार्केट को ऊपर नीचे कर स्टॉक्स को ऊपर नीचे करते हैं, तो थोड़ी सावधानी रखिएगा। ओके, इस बीच फार्मा कंपनियों के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। अब फार्मा कंपनियों के लिए API इंपोर्ट महंगा होने वाला है, क्या है पूरी खबर और किन कंपनियों पर होगा असर, बताने के लिए हमारे साथ तैयार है देवांशी। देवांशी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए कई ऐसे जो फार्मा कंपनीज हैं इनके लिए अब नई चुनौती आती हुई दिखी है, और कई फार्मा कंपनीज के साथ हमने जब बातचीत की थी अभी फिलहाल जब इनके नतीजे आए हैं, तो इनके लिए एक मेजर चैलेंज है, इनका ये चैलेंज है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है अब तक जो API कंपनीज हैं चीन में, उन्होंने अपनी कीमतें बढ़ा दी है। लॉकडाउन से लेकर अब तक में कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कीमतें 20% से लेकर 100% तक बढ़ती हुई दिखी है, ये एक मेजर चैलेंज बनता हुआ दिख रहा है। आप देखिए कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जो कीमतें हैं वो 20% से ज्यादा बढ़ती हुई दिखी है, जैसे कि IPA है, जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, इसका इस्तेमाल यूजुअली डिसइंफेक्टेंट्स जो होता है, साथ ही जो सैनिटाइजर्स बनाते हैं इसमें ज्यादातर होता है, और हम या जो भारत है वो ज्यादातर इसको इम्पोर्ट करती है, करीब 20,000 से 30,000 टन प्रति महीने का इम्पोर्ट इस प्रोडक्ट का किया जाता है, तो मेजर इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आप देखिए जो PAP, ये भी एक प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल पैरासिटामोल दवा बनाने में होता है, ये भी हम इम्पोर्ट करते हैं, इसकी जो कीमतें हैं वो भी 25% से ज्यादा बढ़ती हुई दिखी है पिछले 2 महीने में। तो कई ऐसे प्रोडक्ट्स अन्य हैं जो कि 20% से लेके 100% तक इनकी कीमतें बढ़ती हुई दिखी हैं चाइनीज API प्रोडक्ट्स की, जिसके चलते एक मेजर चैलेंज बनता हुआ दिख रहा है। यही नहीं, आप देखिए जो मार्जिन है, अब एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि भारतीय कंपनीज पर इसका ज्यादा असर आता हुआ नहीं दिखेगा, ये मार्जिन पर इम्पैक्ट नहीं होगा। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी जो कच्चे माल की लागत है या प्रोडक्ट्स में जो कीमतों में बढ़ोतरी होती हुई दिखी है, ये कस्टमर्स को पास ऑन करते हुए दिखेंगे। जैसे कि अगर आप पैरासिटामोल देखें, इनकी कीमतें बढ़ती हुई दिखी हैं पिछले 1 से 2 महीने में करीब 20% से ज्यादा। कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कीमतें बढ़ती हुई दिखी हैं, तो पास ऑन कर रही हैं। साथ ही इनका ये भी मानना है कि एक्सपोर्ट्स जो कंपनी करेंगी, इनको रुपए का फायदा जरूर मिलता हुआ दिखेगा। और यही नहीं, हमने हाल ही में आपको बताया था कि चीन पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार 7,000 करोड़ की रियायतें भी दे रही है, एक नई योजना सरकार की तरफ से आती हुई दिख रही है। मैं आपको क्विकली बता दूं कई कौन सी कंपनीज हैं जो मेजरली इम्पोर्ट्स पर रिलाई करती है। नाटको फार्मा, इक्का लैब्स है, सोलारा एक्टिव है, अरबिंदो फार्मा, ग्रैन्यूल्स इंडिया, ये ऐसी कई कंपनीज हैं जो कि इम्पोर्ट्स पर मेजरली रिलाई करती है। सैनिटाइजर बनाने वाली ऐसी कई नॉन लिस्टेड कंपनीज भी होंगी जिन पर असर होते हुए दिखेगा। मुझे ओके, तो ये है आपके लिए API इम्पोर्ट बनाने वाली कंपनियों पर राय। आशु जी, क्या ये API यानी कि दवा का चूर्ण इन बनाने वाली कंपनी में अब भी तेजी बची है कि बहुत हो गया है? अनिल जी, अगर आप भाव से इसका मूव देखें तो लगता है कि बहुत हो गया है, लेकिन जो मेगा शिफ्ट हुआ है अनिल जी फार्मा की तरफ, जिस तरह से ये बड़ा रुझान चेंज हुआ है इतने सालों के बाद, ये अनिल जी कोई छोटा, ये 1 या 2 महीने या 3 महीने के लिए नहीं है, मुझे लगता है कि कंसिडरेबल टाइम के लिए जो ये ट्रेंड चेंज हुआ है ना, ये रहेगा। तो आप ये देखिए कि जितना मर्जी आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए इन स्टॉक के अंदर, लेकिन आगे पीछे करके
ये अभी भी इतनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और मुझे लगता है कि जितना ऊपर जाते जा रहे हैं ये आम आदमी की रीच से जो फार्मा स्टॉक्स हैं ये निकलते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अनिल जी अगर कोई भी जैसे ये इंडो चाइना 1800 पॉइंट डाओ या कुछ ऐसे में कोई भी गिरावट आती है तो फार्मा इज द मोस्ट प्रेफर्ड सेगमेंट अभी भी। अब सबसे बड़ी बात अनिल जी होती है कि नॉर्मली हम जब ट्रेड करते हैं ना तो एक ट्रेंड होता है कि जो ट्रेड सबसे करें जो क्राउडेड ट्रेड की हम बात करते हैं। फार्मा की बात करना और ट्रेड करना दोनों में बहुत फर्क है अनिल जी। ऊपर के भाव पे जो फार्मा है ना लिया नहीं जाता किसी से, बात जरूर करते हैं। आज मैं भी कह रहा हूँ कि ट्रेंड पॉजिटिव है, मैं भी अपने 10 क्लाइंट्स को बोलूंगा तो उनमें से शायद 9 ले नहीं पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अनिल जी ट्रेड देखने के लिए। तो अभी भी फार्मा में स्ट्रेंथ मुझे लगता है कायम रहेगी, अभी भी रहेगी बरकरार। ये है राय आपके लिए एपीआई इंपोर्ट करने वाली कंपनियों पर इस वक्त आती हुई। ओके, थोड़ी देर में आपके लिए बैन से बेनिफिट भी आएगा, वो स्टॉक जो बैन से बाहर निकलने के लिए बैंक बैन में आने या जाने के लिए तैयार है उन पर भी हम फोकस करेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद आपके लिए भसीन साहब आपको BTSTT कॉल्स भी देने वाले हैं, लेकिन बाजार रिकवर होकर 9900 पर आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त है, इस पर आप फोकस कीजिएगा। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर है वो आपके सामने रख दें। इस मजबूत कमज़ोर बाजार में जो मजबूत शेयर है उनमें से एक है मदरसन सुमी, 5% की तेजी के साथ मदरसन ऊपर है। किरण जी इसके चार्ट्स देखकर बताइए क्या करना चाहिए। आज एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और मुझे लगता है कि एक 100 का छोटा सा बैरियर है, एक बार वो निकल जाए तो इसमें वापस एक बार 105-107 के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो मेरा मानना है कि अभी किसी के पास है या अभी खरीदी करता है तो 93 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ₹3 नीचे करंट मार्केट प्राइस है। ओके, तो ये है आपके लिए मदरसन सुमी पर आए। कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये है वो स्टॉक जो जबरदस्त तेजी में है। क्यों है इतनी तेजी, वजह क्या है, बताने के लिए तैयार है पूजा त्रिपाठी हमारे साथ। पूजा बताइए। जी आज अभी इस वक्त देखें तो करीब 5-6% की तेजी है और जब से कंपनी ने अपने मार्च तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं लगातार एक तेजी का ट्रेंड बना हुआ है। स्टॉक ने नया 52 वीक हाई भी छुआ था और पिछले 6 महीने की अगर बात करें तो स्टॉक करीब 40% का रिटर्न दे चुका है। वजह ढेर सारी है, पहला तो यह कि कोरोमंडल इंटरनेशनल के जो नतीजे आए थे वो काफी स्ट्रांग थे, मुनाफे में 112% का उछाल देखा गया था, कामकाजी मुनाफा 51% बढ़ा था कंपनी का और मार्जिन भी 9.8% से बढ़कर इस बार 13.6% के कंपनी ने पोस्ट किए थे। इसके अलावा फंडामेंटल भी काफी मजबूत हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल के। FY20 की अगर बात करें तो इनका एक सेगमेंट है फॉस्फेटल फर्टिलाइजर, उसमें ये अभी भी मार्केट लीडर बना हुआ है 15% मार्केट शेयर के साथ और पांचवी बड़ी क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनी भी है, 10,000 डीलर के जरिए कारोबार करती है और इस सेगमेंट में भी हमने देखा कि FY20 में भी काफी अच्छा प्रदर्शन कंपनी ने किया था। दिसंबर से मार्च के बीच म्यूचुअल फंड ने भी अपनी हिस्सेदारी करीब 1.12% बढ़ाई है और कंपनी का जो प्लांट है वो 86% की क्षमता पर काम भी कर रहा है ऐसे माहौल में भी। और इसके अलावा कुछ और भी खबरें निकल कर आ रही है जिससे कि फर्टिलाइजर कंपनियों को काफी फायदा मिलने की बात की जा रही है। पहला तो ये कि मॉनसून काफी बेहतर होने की बात की जा रही है जिसका कि फायदा फर्टिलाइजर कंपनियों को मिलेगा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से भी फर्टिलाइजर कंपनियों को फायदा होगा क्योंकि कंपनियों को आसानी से वर्किंग कैपिटल यहां पर मिल सकेगा। तो ये जो तमाम फैक्टर्स हैं खबरें हैं इसके चलते हम देख रहे हैं कि कोरोमंडल इंटरनेशनल में लगातार एक तेजी का ट्रेंड बना हुआ है। ये है कोरोमंडल इंटरनेशनल। बंसल जी जरा इसके चार्ट्स देखिए और बताइए, EID पेरी तो आप लोगों को पसंद है ही जो कि इसकी होल्डिंग कंपनी है, क्या कोरोमंडल भी मजबूत है? अनिल जी मजबूत नहीं, काफी मजबूत है स्टॉक, अनचार्टेड टेरिटरी में आ चुका है और मार्च के जो हाइस थे उनके ऊपर सेटल हो गया है और अब तो एक नई टेरिटरी में स्टॉक एंटर कर चुका है। तो मेरी राय में जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करें, किसी भी करेक्शन में अगर स्टॉक 680-685 पे मिलता है तो बाय एंड होल्ड करना चाहिए। और एज अ डिस्क्लोजर अनिल जी, स्टॉक को हमने अपने क्लाइंट्स को 577-578 के अराउंड रेकमेंड किया था, अभी तक होल्ड करा हुआ है तो जिनके पास है वो होल्ड करें और करेक्शन में अगर 570-580 के भाव मिलते हैं तो उन स्तरों पर फर्दर एड भी किया जा सकता है। कोरोमंडल इंटरनेशनल या ये स्टॉक भी बड़ी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर तेजी के साथ कारोबार होता दिख रहा है, 7% की अच्छी मजबूती। एग्रोकेमिकल से जुड़े तमाम स्टॉक्स अच्छे एक्शन में आपको इस वक्त नजर आएंगे, ये साफ आप देख सकते हैं। ओके, और इस वक्त जय ठक्कर हमारे साथ कुछ एक
स्प्रेड देने वाले हैं, बिगुल में उनके लिए बजाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये खबर जो है ये अब पुष्ट होती हुई दिख रही है। ब्लूमबर्ग के हवाले से हम बता दें कि जो न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग है वहाँ पर ये खबर आई है, और ब्लूमबर्ग के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि जियो में फेसबुक के निवेश की CCI जाँच करेगी। ओके, कमीशन कंट्रोलर ऑफ इंडिया, कंपटीशन कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ये इस बात की जांच करेंगे कि जियो में जो फेसबुक ने निवेश किया उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। ये खबर इस वक्त आती हुई दिख रही, तो ये इंटरेस्टिंग खबर है जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर भी रहे थे कि काफ़ी जगह ये खबर चल रही है, सही है गलत, लेकिन अब ब्लूमबर्ग आप कह सकते हैं कि एक रिलायबल न्यूज़ एजेंसी है, और उनके हवाले से ये खबर आई है कि जियो में जो फेसबुक ने निवेश किया, बड़ा इन्वेस्टमेंट जो किया है, उसकी जांच होगी, ये आपके सामने इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो इस बीच, हाँ, इस बीच प्रधानमंत्री मोदी चाइना वाले तनाव पर बातचीत कर रहे हैं, ये सुनते हैं। सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है, और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी मेरा आप सभी से, सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहां इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद आज जो हमने। तो प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों की बैठक में बातचीत करते हुए, और वो चीन के साथ जो सीमा विवाद है, जो तनाव है, उस पर वो बातचीत करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त, और हम फिर से वहाँ पर लौटेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन इस बीच ये एक बड़ी खबर है, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने पूरे हमारे देश के सैनिकों ने चीन को मुँह तोड़ जवाब दिया है। आइए, आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ तैयार हैं इस वक्त बताने के लिए बैन से बेनिफिट। जी आशीष बताएं। अनिल जी, दिन प्रतिदिन सूची लंबी होती जा रही है, आज ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो बैन में आते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले आप देखिए एस्कॉर्ट्स, यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट ऑलमोस्ट 118% के आसपास आ चुकी है, यानी निश्चित है कि एस्कॉर्ट्स तो जरूर बैन में आएगा। PNB यहाँ पर करीब 95% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, यानी ये बॉर्डर लाइन पर है। अगर पोजीशंस घटती हैं तो हो सकता है बैन में ना आए, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी भी बढ़त देखने को मिलेगी पोजीशंस में तो पक्का बैन में आएगा। सेल की भी ऑलमोस्ट 94% है, तो यहाँ पर भी संभावना बनी हुई है कि भी स्टॉक बैन में बनता हुआ दिखेगा। और टाटा मोटर्स कल रह गया था, कल अंत में देखा था हमने कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट घटकर 91% हो गई थी, अब आज करीब 97% है, तो यहाँ से अगर थोड़ी सी भी बढ़त होती है तो ये भी पक्का बैन में आते हुए नजर आएगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि कौन कौन से स्टॉक्स ऑलरेडी पहले से बैन में, अदानी एंटरप्राइज काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं बैन में चल रहा है, 92% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। वोडाफोन आइडिया करीब 93% है, और कल बैन में आया था जिंदल स्टील एंड पावर, यहाँ पर करीब 96% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो ये बैन में आएगा, बैन में ऑलरेडी बना हुआ है, माफ कीजिएगा। और जस्ट डायल भी करीब 88% है यहाँ पर, ये स्टॉक भी बैन में बना रहेगा। चार स्टॉक बैन में, चारों बैन में बने रहेंगे, राइट, बाहर निकलने का चांस किसी का नहीं सर। ठीक है, नया कौन सा आ सकता है? नए में है अनिल जी एस्कॉर्ट्स है, PNB, सेल और टाटा मोटर्स। एस्कॉर्ट्स, PNB, सेल और टाटा मोटर्स। एस्कॉर्ट्स तो काफ़ी लोगों ने रिकमेंड भी कर दिया है, एस्कॉर्ट्स, PNB, सेल और टाटा मोटर्स। ओके, ठीक है, ये चार की संभावना है बैन में आने की। थोड़ी देर में मैं इन पर डिस्कशन करूँगा, उससे पहले एक बार जल्दी से बिगुल, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का,
जय ठक्कर के लिए, और उसके तुरंत बाद आपको मिलेगा एक बेहतरीन बीटीएसटी कॉल, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बसिन साहब की तरफ से। जय बताएं जी, मार्केट में गिरावट है मगर कुछ ऐसे स्टॉक्स है जैसे बिल्कुल मैं कहूंगा अच्छी तेजी हमें देखने मिल रही है, जैसे कुछ टाइम पहले अभी जिक्र हुआ एस्कॉर्ट्स के ऊपर, तो एस्कॉर्ट्स के ऊपर अनिल जी मैं कहूंगा कि एक बुल कॉल स्प्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, या तो जिसे प्लेन वेनिला ऑप्शन लेना है तो मैं कहूंगा कि 1020 का ऑप्शन ले सकते हैं आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, और मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि एक ऑप्शन के जरिए काम करना सही रहता है, तो 2250 के आसपास ये ऑप्शन मिल रहा है, इसमें हम नीचे की तरफ स्टॉप लॉस अनिल जी प्लेस कर सकते हैं कहीं ना कहीं एग्जैक्टली अगर मैं देखूँ तो 13 रुपये के आसपास, 22 के आसपास है, 13 रुपये के आसपास इसमें स्टॉप लॉस लगाकर वन कैन बाई फॉर 35 एंड 40, ये होएगा। मगर बुल कॉल स्प्रेड अगर इनिशिएट करना रहेगा तो वो भी कर सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अनिल जी मैं कहूँगा कि इसमें और रिस्क थोड़ा हेज हो जाएगा, तो आप करिए ये कि आप 1020 का कॉल ऑप्शन खरीदिए 22 रुपये में, और आपको 1040 का कॉल ऑप्शन बेचना है सामने, और वो अनिल जी बिक रहा है 1040 का ऑप्शन लगभग 15 रुपये पे, 15.5 रुपये पे, तो अनिल जी आप अगर देखें कि 7 रुपये का स्प्रेड केवल है और सामने आपको जो गेन होगा वो 13 रुपये का गेन होगा, सो आप रिस्क रिवॉर्ड अगर देखें तो 7 के सामने 13 मतलब ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है स्प्रेड में, और ये बहुत ही रेयर होता है अनिल जी, लगभग हर समय हमें 1:2, 1:3 के स्प्रेड मिलते नहीं है, एंड स्पेशली जब एक्सपायरी नजदीक हो और नेक्स्ट वीक हो, तो आई थिंक ये बहुत ही एक बढ़िया ट्रेड और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और एस्कॉर्ट्स में जैसे अभी कुछ समय पहले कहा कि इसमें मार्केट वाइड पोजिशन जो लिमिट है वो काफी अच्छी बढ़त देखने मिली, हमें ब्रेकआउट एक फॉरिंग चैनल का देखने मिला है, तो ओवरऑल स्टॉक बुल मार्केट में एक अपट्रेंड में लग रहा है, तो इसे खरीद कर चल सकते हैं। एस्कॉर्ट्स का 1020 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 22.5 रुपये में, और एस्कॉर्ट्स के 1040 का कॉल ऑप्शन 15.5 में भेजना है, बराबर है सर? बिल्कुल अनिल जी, 7 रुपये का स्प्रेड है और मैक्सिमम रिवॉर्ड 13, मैक्सिमम लॉस 7, और ये तो कल बैन में जा रहा है, उसका क्या करोगे फिर आप? अनिल जी कल कोई आप नई पोजीशंस बना नहीं पाओगे, हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ, फिर बैन में जा रहा कोई टेंशन ना लेना, बना लेना पोजीशन। हमारे साथ फोन लाइन पर आइए, उनके लिए बिल्कुल स्वागत करते हैं। जी बसिन साहब बताएं सर। अनिल जी एक तो अपडेट दे दूं, कल आपके यहाँ 72-73 में कहा था 390 का टारगेट सन का, वो आज 386 अभी मारा है, 86.50 आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरा कल आपको 757 में SBI लाइव दिया था, टारगेट 810 का था लेकिन आज 781 मार गया, उसको भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और सुबह के जो 2 बजे की कॉल है वो सारी अभी भी कायम है, आपको जो 4 कॉल दी थी वो थी RBL बैंक, HUL, हीरो मोटो और बैंक ऑफ बड़ौदा, चारों में बाइंग है और चारों में आप कायम है। अब आप कहें तो एक BTST है जो मैं देना चाहता हूँ। एक है सर? एक ही है सर। जी बताएं सर। तो मदरसन सुमी है सर, 96.5 का भाव है, 92.35 का स्टॉप लॉस, 105 का टारगेट। 92.35 का स्टॉप लॉस, 105 का टारगेट, मदरसन सुमी खरीदारी करनी है राइट सर? यस सर, बाय बाय। 96.5 के आसपास खरीदारी कीजिए, 92.35 का स्टॉप लॉस लगाइए, 105 का टारगेट, ये है राय भसीन साहब की तरफ से मदरसन सुमी में खरीदारी करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये कॉल देने के लिए। इस बीच बाजार वोलेटाइल हैं, थोड़े नीचे की तरफ आएँ, बार बार 200 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी और 100 पॉइंट की रेंज में, 100 भी नहीं 50 पॉइंट की रेंज में निफ्टी बार बार उतार चढ़ाव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, AGR मामले में मैं कल सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होने वाली, जी हाँ कल ये बड़ा मामला रहेगा सुप्रीम कोर्ट में, तो कल इसकी जो सुनवाई होने वाली है उसमें क्या कुछ हो सकता है और उसका क्या असर पड़ेगा टेलीकॉम कंपनियों पर, ये भी जानने की कोशिश करते हैं, और ये बताने के लिए कुशल हमारे साथ तैयार है। कुशल बताइए। बिल्कुल रंजी, कल बहुत ही अहम दिन होने वाला है टेलीकॉम कंपनी के लिए। इनफैक्ट अगर आप AGR मामले को देखें तो ये काफी बड़ा मामला है दोनों टेलीकॉम कंपनी के लिए, चाहे आप भारतीय एयरटेल या वोडाफोन आइडिया की बात करें। और यहाँ पर आज जो है टेलीकॉम कंपनियां सुप्रीम कोर्ट में इनका जो प्रस्ताव है कि क्या गारंटी देंगी और AGR का वो कितनी समय सीमा मांग रही है उसका प्रस्ताव वो जमा करेंगी। तो यहाँ पर मेरे पास 3 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं अनिल जी, जो इस AGR मामले पर कल जो सुनवाई होने वाली है वो अंदेशा लगा रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है, जिसमें
SBI कैप पहला है और ये मान रहे हैं कि भुगतान के लिए अगर 20 साल से कम समय मिलता है तो वोडाफोन आइडिया के लिए सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो सकता है, पर अगर आप भारतीय एयरटेल को देखें तो वो काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे है। अगर मैं आपको बताऊं कि टोटल AGR बकाए का जो भुगतान है भारतीय एयरटेल ने ऑलरेडी 40% कर दिया है। मोतीलाल ओसवाल इनका भी यही मानना है कि वोडाफोन आइडिया के लिए दिक्कतें जारी रह सकती हैं कि अगर जो AGR भुगतान करने की समय सीमा है 20 साल से कम होगी, और सिमिलर व्यूज आपको एडलवाइस में भी मिलेंगे। तो तीनों जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, घरेलू ब्रोकरेज हाउसेज, वो ये मान रहे हैं कि अगर 20 साल से कम जो है समय सीमा दी जाती है AGR मामले में भुगतान के लिए तो वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल दिक्कत है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अनिल जी भारतीय एयरटेल के लिए बन सकती है, और यही शायद वजह है कि आज हम भारतीय एयरटेल जो है 2 से 2.5% की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप पर्टिकुलरली इनकी फाइनेंशियल पोजिशंस पर भी नजर डालें तो वहां पर भी ऑलमोस्ट दोनों के सिमिलर लेवल ऑफ डेट नेट डेट है। अगर आप बात करें तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की है, पर कैश पोजीशन वाइज अगर आप देखेंगे तो यहां पर भारतीय एयरटेल काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 40% का भुगतान तो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया AGR पर यहां पर जो उनकी कैश पोजीशन है वो करीब 16,000 करोड़ रुपए की है, और उसके मुकाबले वोडाफोन आइडिया की महज 1,000 करोड़ रुपए की है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो नेट नेट वोडाफोन आइडिया के लिए ये काफी दिक्कत हो सकती है अगर समय सीमा 20 साल से नीचे होती है। एडवांटेज पोजीशन में है भारतीय एयरटेल जहां तक इस सुनवाई से पहले के सेटअप का सवाल है, और देखते हैं कि किस तरह के कल सुनवाई से रिजल्ट आते हैं। बट टेलीकॉम स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और उससे ज्यादा बैंक्स फोकस में रहेंगे। पर आइए, आखिरी 10 मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए। अनिल जी से जान लेते हैं कि मार्केट पर अब क्या व्यू बन रहा है, कोई पोजिशन बनानी चाहिए, कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए या नहीं। अनिल जी, बेहद वॉलेटाइल बाजार हैं। जब हम थोड़ी देर पहले डाउ फ्यूचर्स देख रहे थे तो 250 अंक ऊपर थे, अब 11 अंक नीचे हैं डाउ फ्यूचर्स। तो तेज गिरावट हुई है डाउ फ्यूचर्स में, ग्लोबल मार्केट्स में, और उसका इफेक्ट हमने अपने हमारे बाजारों में भी देखा है, जिस तरह की वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। तो काफी वॉलेटाइल एक्शन हो रहा है सर। इस समय यूरोप के बाजार भी ऊपरी स्तरों से गिरे हैं, बल्कि अब लाल निशान में जाने के लिए तैयार दिख रहे हैं, जहां तक फ्रांस के बाजार का सवाल है। जर्मनी ऑलरेडी लाल निशान में जा चुका है, तो वहां पर भी गिरावट के संकेत आ रहे हैं सर। ओके, देखिए दीप, फॉर्मूला वही रखेंगे, न्यूट्रल। 2 बजे भी वही बात की थी, अभी भी मैं 2:30 बजे भी वही कह रहा हूँ, अभी भी वही कह रहा हूँ। पोजीशन जितनी कम रख कर जाएंगे उतना बढ़िया है, कंफर्ट नहीं है। और अगर करना ही है तो ऑप्शन के जरिए करिए, और अगर आपकी कोई भी तेज़ी की पोजीशन है तो पुट जरूर साथ में रखिए, दो चीज़ जरूर करिए। तो मेरा तो कम्फर्ट नहीं है, तो मैं तो यही कहूँगा कि साल में कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई टेक्निकल, कोई फंडामेंटल, कोई वायदा कारोबार के आंकड़े काम नहीं करते हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ फ्लो काम करती है। और न्यूज़ क्या आएगी, अच्छी, खराब, बड़ी, छोटी, मुझे पता नहीं। मेरी राय है न्यूट्रल करके जाइए, सिंपल। बिल्कुल, और अनिल जी आप ये बोल भी रहे थे पहले कि जो भी पोजीशन लेनी है वो इंट्राडे लेवल पर लेनी है, उसके अलावा नहीं लेनी है। तो बैंक निफ्टी पर भी सिमिलर व्यू है सर, कोई लेवल जहां पर ध्यान रखना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि जो ये सपोर्ट लेवल्स हैं ये तो होल्ड कर ही लेंगे। देखिए दीप, इसमें एक चीज है, निफ्टी तो खराब बंद हो रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। निफ्टी लगातार 5वां दिन होगा जब 10,000 के नीचे बंद होगा, और ठीक है ना, और 10,000 के नीचे बंद हो रहा है वो तो ठीक है, 10,000 के नीचे भी लगातार 5 दिन, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि निफ्टी के लिए मुश्किल भरा वक्त है, पॉइंट नंबर वन। बैंक निफ्टी के लिए भी है, लेकिन बैंक निफ्टी ने सिर्फ एक ही बार 19912 की क्लोजिंग दी है परसों, बाकी बैंक निफ्टी 20,000 के ऊपर बंद हो रहा है। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग उतनी ख़राब नहीं हो रही है डेटा के लिहाज से। तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि अगर आपको लेना ही है ट्रेड तो 20,000 का एक पुट लेकर जाइए बैंक निफ्टी का, और निफ्टी का आपको लेना है तो 9,800 का पुट लेकर जाइए। वो बहुत कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए जिनको लेना ही है बिना लिए, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बिना पोजिशन के उनका काम चलता नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि भाई फिर हमने दिन भर किया क्या और रात को फिर हम कैसे मन बहलाएंगे। आप जैसे वो मैच देखते हो ना IPL का या फुटबॉल का, आपका जब तक मतलब ना एक टीम के प्रति आपका समर्थन ना हो या एक टीम के आप अगेंस्ट ना हो तब तक मैच देखने का वो मज़ा नहीं आता, करेक्ट? वैसे हाल बहुत सारे ट्रेडर्स का है, जब तक कोई पोजिशन लेकर ना जाए तो उनको मज़ा नहीं आता, बोले ये क्या, फिर डाउ देखने का मजा भी नहीं है, SGX निफ्टी देखने का मजा नहीं है, डाउ फ्यूचर देखने का मजा नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए। तो अगर आप उस तरह के ट्रेडर हैं तो कुछ करके जाइए जो आपको ठीक लगे, बाकी तो जो है ना समता में सार है, आराम से बैठिए, कुछ मत करिए,
शांति से रहिए, साल में कुछ ही दिन तो ऐसा होता है जब हम कहते हैं कुछ मत करिए, हर रोज थोड़ी कहते हैं, तो आज वो दिन है जब हम ये कह रहे हैं कुछ मत करिए। जी दीप बिल्कुल अनिल जी, तो आज एकदम वैसा ही दिन है जब कुछ नहीं करना चाहिए, पोजीशन हल्की करके जाइए, कल नया दिन है, देखते हैं क्या एक्शन होगा। स्ट्रैटेजी से पहले भारतीय एयरटेल पर कुशल बात करके गए थे और स्टॉक भी देखिए जैसा भी बाजार आज रहा है मजबूती ही यहां पर मेंटेन करिए। किरण जी, भारतीय एयरटेल पर कोई राय सर, लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद आज मूव आते हुए देखा है और वॉलेटाइल मार्केट में भी गेन्स होल्ड कर रहा है। देखो डेरिवेटिव डेटा काफी स्ट्रांग है और 550 के कॉल में इसके नीचे जाते हुए, सॉरी पुट में इसके नीचे भाव कल गया था, फिर भी उधर कुछ अनवाइंडिंग देखने को नहीं मिल रहा इस, और अभी वापस एक बार बाउंस बैक, तो मेरा मानना है कि ये बुलिश मूव कंटिन्यू होती नजर आती नजर आ जानी चाहिए। इवेंचुअली अगर आप हफ्ते दो हफ्ते देते हो तो वापस एक बार 590-600 के आसपास के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, नजर रखिए भारतीय एयरटेल पर, कल सुप्रीम कोर्ट में ऑफकोर्स एजीआर मामले पर सुनवाई भी है, पर उससे पहले आप काफी अच्छी स्ट्रेंथ देख रहे हैं स्टॉक में, तो यहां पर आपका फोकस बना रहना चाहिए। वोडाफोन आइडिया, वैसे तो काफी हैवी वॉल्यूम्स होते हैं ट्रेड के और आज भी हुए हैं, बट ज्यादा मूवमेंट इस स्टॉक में एटलीस्ट नहीं देखा गया है आज के ट्रेड में, पर नजर रखते हैं जिस तरह का एक्शन रहा है, शायद कल भी और आपको खबरों के दम पर इस पर एक्शन देखने को मिले। कंजम्पशन एफएमसीजी स्टॉक्स यहां पर हमने दोनों तरफ के ट्रेड्स होते हुए देखे हैं, बट जय मुझे याद है ब्रिटानिया पर आपने हमें पहले भी कॉल दिया हुआ है और तब भी चला था और आज भी ब्रिटानिया ने होल्ड आउट कराया, अच्छी गेन्स दिखाई है स्टॉक ने। एफएमसीजी में दोनों तरफ के ट्रेड्स आए पर ब्रिटानिया 3400 पर क्या करना चाहिए? ओवरऑल मैं कहूंगा दीप की ये स्टॉक अच्छा है, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि ओवरऑल ये स्टॉक में जो हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है दीप कि केवल रीटेस्ट हो रहा है अपने ब्रेकआउट लेवल का, बिकॉज 3300 के ऊपर ही निकलना ये स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और उसके बाद निकल कर ये स्टॉक यू नो लगभग 3700 तक गया, थोड़ा बहुत हमें रिट्रेसमेंट मैं कहूंगा प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में देखने मिला है। 3300 के नीचे अगर बंद नहीं होता तो मैं कहूँगा अभी भी चांस है कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा दीप, और इसमें फिर से हमें वही पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं थोड़ा यू नो शॉर्ट टू मीडियम टर्म का अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 3800-4000 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। तो अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस क्या होगा क्लोजिंग बेसिस पर केवल 100 रुपया यहाँ से, और टारगेट लगभग यू नो 400-600 पॉइंट के बन सकते हैं, सो वो ट्रेड डेफिनेटली लेकर चलना चाहिए जिसमें रिस्क रिवॉर्ड इतना बढ़िया बन रहा हो। 3300 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा ब्रिटानिया का लॉन्ग साइड पर बने रहने के लिए। ओके, तो शानदार तेजी आगे भी आ सकती है जहां तक ब्रिटानिया का सवाल है, नजर रखे इस स्टॉक पर। बाजार बंद होने के लिए तैयार है, मिडवीक ट्रेड है, पर इस वीकेंड को एक खास दिन है, संडे 21 जून को है फादर्स डे, और आपके लिए एक खास पेशकश तैयार की जा रही है, एक उसकी झलक देख लेते हैं। जो भी लोग या तो शादी नहीं करना चाहते हैं, करें ना करें, लेकिन एक बच्चे की प्लानिंग जरूर है। एक बच्चे की प्लानिंग है तो मैं कहूंगा दो बच्चे, दो की प्लानिंग है तो मैं कहूंगा तीन, एक बच्चा एक्स्ट्रा मेरे नाम का। आपको एक चीज की गारंटी देता हूं, 25 साल बाद 30 साल बाद आपका बच्चा पढ़े लिखे पता नहीं, लायक नालायक बने पता नहीं, लेकिन ये जो बच्चा ये 30 साल बाद आपको निराश नहीं करेगा, 25 साल बाद आपको निराश नहीं करेगा, 100% गारंटीड है। बाकी की कोई गारंटी नहीं, करे ना करे पता नहीं, लेकिन ये तो पक्का करेगा। अनिल जी, फादर्स डे आने की तैयारी में है, थोड़ा विस्तार में बताइए ये कौन से बच्चे की आप बात कर रहे हैं सर? जी दीप, बस 3-4 मिनट रुकिए, मार्केट बंद हो जाए उसके बाद मैं विस्तार में बातचीत करता हूँ, ये जो आपने प्रोमो दिखाया उसके ऊपर, बस आखिरी कुछ मिनट बचे हैं उसके बाद हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। 9875 40 अंकों का नुकसान निफ्टी में इस वक्त है, 20,200 के आसपास बैंक निफ्टी है, नुकसान के साथ आधा परसेंट के नुकसान के साथ हम क्लोज होते हुए दिख रहे हैं, ये इस वक्त का रुझान आपके सामने है। कोटक बैंक 2% नीचे है और महिंद्रा एंड महिंद्रा 2% नीचे, यहाँ से थोड़ी बिकवाली आती हुई दिख रही है। ITC भी 2% नीचे, कल ही मैं बंसल जी आपको पूछा था ITC 188 रुपये के आसपास था, कल परसों लेना है कि आप मना कर रहे थे, अभी भी नहीं लेना है, लेने के लिए सही लेवल क्या है? अनिल जी देखिए, अभी तो करेक्शन मोड में चल रहा है, अभी लेवल को तो अनिल जी नापना मुश्किल है, बट नीचे में अब नेक्स्ट सपोर्ट 172-173 के अराउंड आता है। अरे आप तो जब लेने का समय आएगा तो अनिल जी अपने आप में ITC पे बाय कॉल दूंगा। अनिल जी जब लेने का समय आएगा तो अपने आप बाय कॉल देंगे, अभी तो 172-173 पे सपोर्ट है, फॉलिंग नाइफ को कैच करने की कोशिश ना करें, अभी वेट करें थोड़ा सा। ओके, गिरते हुए चाकू को ना पकड़े, ये है राय,
बंसल जी की, एस्कॉर्ट्स दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हो रहा है, लेकिन याद रहे ये कल बैन में आने की तैयारी में 996 पर है इस वक्त। रिलायंस एक बार देख लीजिए रिलायंस किस तरह का प्रदर्शन कर रहा है, रिलायंस बंद होते थे क्योंकि आज जो खबर आई उसके बाद रिलायंस में गिरावट आई, उस नहीं तो बाजार अच्छा मजबूत बंद हो सकता था। तो बड़े दिनों बाद रिलायंस थोड़ी कमजोरी वाली क्लोजिंग दे रहा है, 16% ओपन इंटरेस्ट बढ़ाया आज 1609-1610 के आसपास, फ्यूचर्स में 1612 के आसपास कैश लेवल पर। क्लोजिंग बेसिस पर रिलायंस के चार्ट्स बिगड़े तो नहीं है ना किरण जी, अभी भी इंटैक्ट है? अभी भी इंटैक्ट है अनिल जी, और आपका स्टॉप लॉस करीबन 1580-1590 के करीब रहना चाहिए। जब तक ये 1600 के ऊपर है तब तक ये अच्छी बात है कि शॉर्ट पोजीशंस बिल्टअप होते नजर आ रहे हैं, लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल हमने ली है और एडवाइस की है और हम भी होल्ड कर रहे हैं। ओके वागले साहब, मारुति में कोई बड़े ब्रेकआउट के संकेत है क्या क्लोजिंग बेसिस पर? अनिल जी आज का मोमेंटम तो अच्छा था, लेकिन ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊं। कल अगर 5850 के ऊपर सस्टेन होता है जो यहां से जो यहां से 150 पॉइंट ऊपर है, तो फिर मैं कहूंगा 6300 तक ये जा सकता है, तो वहां पर पहला रेजिस्टेंस है, माइल्डली पॉजिटिव इतना मेरा व्यू होगा। ओके माइल्डली पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव लेकर चले, ये है आपके लिए राय इस वक्त। आइए क्लोजिंग कर लेते हैं आज की और क्लोजिंग 9850 पर फ्यूचर्स है, माफ़ कीजिएगा स्पॉट लेवल बता दूं 9877 ये निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, 36 अंकों का नुकसान, 99 अंक नीचे बंद हुआ है बैंक निफ्टी 20197 पर 20197, 120 अंक नीचे बंद हुआ है सेंसेक्स 33485 पर 33485, ये आपकी प्रोविजनल क्लोजिंग है। अच्छा अब मैं आपको एक बार शाम का प्रोग्राम बता दूं, आज 6 बजे क्या है, लद्दाख में भारतीय सैनिकों के ऊपर जो चीन के कायराना हमला जो हुआ है उससे पूरे देश में गुस्सा है, रोष है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, बदला लेने की बातें कर रहे हैं, चीनी सामानों के बहिष्कार की भी बातें कर रहे हैं। अब बात यह है कि चीन के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे सप्लाई चेन में इस तरह से गुस्से में कि उससे बाहर निकलने के लिए दो बड़ी चीज़ें चाहिए, एक हम खुद उन्हें बनाएं और अच्छा इन्वेस्टमेंट करके बनाएं, और दूसरा बड़ा विल पावर हो कि हाँ हम चीनी प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे, क्योंकि पंखे एसी कंप्यूटर पार्ट्स ये तो चलो समझ में आता है, मतलब होली पे आने वाली गुलाल, गणपति पे गणपति जी, रंग पिचकारी, ये मतलब ये छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें चीन से इंपोर्ट हो रही है। कई सारी दवाएं ऐसी हैं एपीआई की जो हम बात करते हैं, इनके इंपोर्ट पर हम चीन पर डिपेंडेंट हैं, ऐसे में चीन का बहिष्कार हम कितना कर पाएंगे, किस तरह से कर पाएंगे, आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या कुछ करना है, इन सब पर हमारा खास शो आज शाम को ज़रूर देखिए, चीनी चीज़ों को चलता करो, यानी कि चीनी प्रोडक्ट्स चाइनीज आइटम्स को चलता करो, कैसे ज़रूर देखिएगा शाम का 6 बजे का ये स्पेशल शो है। अच्छा और अब दूसरा स्पेशल शो जिसकी बात दीप आप कर रहे थे, एक बार मैं हमारे दर्शकों को और एक्सपर्ट्स को फिर से दिखा दूं हम क्या शो करने वाले हैं, और उसके बाद में मैं आपको शो की थोड़ी डिटेल्स देता हूं। जी एक बार फिर से देख लीजिए, जो भी लोग या तो शादी नहीं करना चाहते करें ना करें, लेकिन एक बच्चे की प्लानिंग जरूर करें, एक बच्चे की प्लानिंग है तो मैं कहूँगा दो बच्चे, दो की प्लानिंग है तो मैं कहूँगा तीन, एक बच्चा एक्स्ट्रा मेरे नाम का। आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, 25 साल बाद 30 साल बाद आपका बच्चा पढ़े लिखे पता नहीं, लायक नालायक बने पता नहीं, लेकिन ये जो बच्चा ये 30 साल बाद आपको निराश नहीं करेगा, 25 साल बाद आपको निराश नहीं करेगा, 100% गारंटीड है, बाकी की कोई गारंटी नहीं, करें ना करें पता नहीं, लेकिन ये तो पक्का करेगा। हाँ जी आशीष जी, हाँ आशीष जी, हाँ आशीष जी आप कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? जी सर अनिल जी आप ये सवाल तो नहीं हमसे पूछने वाले कि क्या गेस करें किसके बारे में है, ऐसा तो नहीं है? नहीं आप तो गेस कर लेंगे, आपके लिए गेस करना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये फादर्स डे का एक स्पेशल शो है जो हम जिसके लिए मैं आज आया भी था ऑफिस में रिकॉर्ड करने के लिए, चलिए ये स्पेशल शो थोड़े रिकॉर्ड करने, तो दो स्पेशल शो हमने आज रिकॉर्ड किए हैं जो हम आपको सैटरडे संडे को सुनवाएंगे, और ये शो मत मिस करिएगा। और स्पेशली एक ये दो तरह के फादर्स के लिए है, एक तो जो मतलब हमारे बैठे हैं कुणाल जी जो नए नए फादर बने हैं अभी, यंग फादर है ना, यंग डैडी वाले टाइप अभी अभी जो बने हैं, और दूसरा है हमारे जो वागले साहब
जो थोड़ा बहुत आशु जी भी हैं, वागले साहब की तो डॉटर की शादी हो चुकी, मैं गया भी था उन शादी में, तो एक जो थोड़े सीनियर फादर हैं, एक जो एकदम जूनियर फादर है, दोनों के लिए अलग अलग तरह की किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए, उनके लिए ये दो स्पेशल शो बने हैं। कुणाल जी देखिए, आपके पास कितना भी पैसा रहने दो, हाँ आपका पोर्टफोलियो कितना भी बढ़िया हो, आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपको शो तो देखना पड़ेगा ये वाला। नहीं अनिल जी, और अनिल जी मेरा मंत्र तो हमेशा ये रहा है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय अनिल जी, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, तो आप क्या नया बताने वाले अनिल जी? अरे देखो, आप देखने के बाद पता चलेगा, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। इंस्पिरेशन ये मिलेगी कि अभी आपके एक ही बेटा है, एक और हो, आप ये सोचेंगे, इससे बड़ी इंस्पिरेशन क्या मिल सकती है, क्यों आशु जी? नहीं अनिल जी, वो तो ठीक है, लेकिन मैं दो चीजें बोलता हूँ। एक तो ये इतनी लंबी जो फिलॉसफी होती है ना, 25-30 साल वाली, ये सडनली ना वो म्यूचुअल फंड मेरे सामने आ जाता है, तो अगर उससे रिलेटेड है तो हमें बच्चा नहीं करना। मैं कुणाल जी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए ऐसा है कि आप पहले देखने के बाद प्लान करिए, उसके बाद सोचेंगे, लेकिन ये इंटरेस्टिंग शो है जो आप देखिएगा जरूर, खास तौर से हमारे सारे दर्शकों के लिए। और ये वीकेंड पर किस वक्त चलेगा वो हम आपको समय बताएंगे, लेकिन सैटरडे संडे 20 और 21 जून को ये शो हम आपके लिए फादर्स डे पर स्पेशली कर रहे हैं, मिस मत करिएगा। इस बार रविवार को है फादर्स डे, 21 तारीख को, तो पापा के पैसे की प्लानिंग, ये होगा आपके लिए स्पेशल शो जो आप ज़रूर देखेगा। आइए, बाज़ार फाइनल क्लोजिंग दे चुके हैं 9881 पर, 32 अंकों के नुकसान के साथ। 94 अंक नीचे बैंक निफ्टी बंद हुआ है 20,201 पर। सेंसेक्स 97 अंक नीचे 33,507 पर। यह है आपके लिए आज की क्लोजिंग। आप सभी से विदा लेने का वक्त है।